वीरेंद्र जी, सर आप आवाज सुन पा रहे हैं? वीरेंद्र जी, सर अपने को अनम्यूट करें। वीरेंद्र जी, हाँ आ जाओ आ जाओ। कर दे जो जो भी है ना, आप तो इधर आ जाना, ये पकड़ाना है। आप में से एक इधर आ जाइएगा, शुभम या विशाल। शुभम आप आ जाओ। हमारे आज के मुख्य वक्ता बस पहुंच रहे हैं और हमारे जो अध्यक्षीय भाषण के लिए हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी जो डायरेक्टर हैं हरियाणा ग्रंथ अकादमी के, वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और लगभग 15-20 मिनट में वो हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे उपस्थित होंगे। आप लोग धैर्य पूर्वक इस चीज को सभी को सुनिएगा, आप लोगों के लिए ही ये पुस्तक लिखी गई है जो आज जिसका विमोचन किया जाएगा, रिलीज करेंगे, और आप देखेंगे कि आपको कितनी सारी जानकारियां जो हैं वो आप लोगों को उपयोगी जानकारियां जो हैं जिनका फायदा है, लाभ है आप सभी को, वो आप लोगों को उपलब्ध होंगी। तो अगले 2-3 मिनट में हम शुरू कर रहे हैं, हमारे चीफ गेस्ट किसी भी पल यहाँ पहुंच जाएंगे। चलिए आ ही गए हैं। प्लीज प्लीज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिन लोगों के लिए जगह कम है प्लीज आप लोग आगे आ जाइए। मैं फिर कह रहा हूं ये आप लोगों के लिए लेक्चर है, आप लोगों की जानकारी के लिए। हमारे आज के मुख्य वक्ता और हमारे अध्यक्ष ऑनलाइन जुड़ चुके हैं और लगभग अगले 15 मिनट में वो हमारे साथ उपस्थित होंगे साक्षात रूप में, और हम लोग अपना कार्यक्रम, जैसा कि हमारा हमेशा ही प्रयास रहता है कि हम हमेशा कार्यक्रम को समय पर आरंभ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन में कई बार थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, थोड़ा समय आगे पीछे हो जाता है, लेकिन फिर भी आज हम अपना कार्यक्रम समय पर आरंभ कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आप सभी जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, कि आज का ये जो नेशनल वेबिनार कम बुक रिलीज फंक्शन है और उसका विषय है साइंस इन एंशिएंट इंडिया, जिसे आप हिंदी में भारत विज्ञान, उसके ऊपर आज की चर्चा रहेगी। और हमारे जो मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर धीरज कुमार चतुर्वेदी जी, जो चेयरपर्सन रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में, उन्होंने हमें ये समय दिया, मौका दिया, गर्व करने का ये
एक मौका दिया है, अवसर दिया है कि जहां पर हम अपनी परंपरा को टटोल सकें, वहां जो बहुत कुछ दबा पड़ा है उसको एक बार हम पुनः का अवलोकन कर सकें और उसका तालमेल प्रयास कर करी आज की जो मॉडर्न फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी, जूलॉजी है, उनके साथ उसका तालमेल बिठाने की प्रयास करें। इस विषय में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस कड़ी में ये लगभग हमारा 8वां सेमिनार है। लगभग इसलिए क्योंकि 7वां 8वां, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली 8वां सेमिनार है। आज से पहले तक जो हम लोग कर चुके हैं कॉन्शियसनेस के ऊपर सेमिनार, पंच महाभूत और फिजिक्स, इस तरह के बहुत सारे विषयों के ऊपर हम सेमिनार कर चुके हैं और उसी सीरीज में ये आज का 8वां सेमिनार होने जा रहा है और निकट भविष्य में इसी सीरीज को हम कंटिन्यू भी करेंगे और जिसमें नेक्स्ट जो हम टॉपिक टेकअप करेंगे वो है केमिस्ट्री थ्रू एजेस, जिसमें एंशियंट इंडियन केमिस्ट्री के जो रहे हैं उसके ऊपर भी एक लेक्चर बहुत जल्दी आप लोगों को सुनने को देखने को मिलेगा। आज का ये जो सेमिनार है इसमें हरियाणा ग्रंथ अकादमी और महर्षि वाल्मीकि रिसर्च काउंसिल हरियाणा की ओर से जो है प्रायोजित है और इसमें सहयोग जो है जो जॉइंटली इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स ऑफ संस्कृत, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, होम साइंस और मेन लाइब्रेरी और एसटीएचसीआरसी सेंटर, एसटी कॉलेज अंबाला कैंट, डीएवी कॉलेज ननियाला, जो कि हमारे साथ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो एक तरह का ये अपने आप में एक अलग अनुभव है कि ऑफलाइन ऑनलाइन हाइब्रिड मोड में इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित करें और विशेष रूप से इसमें हमारे साथ मुकुलारण्यम महाविद्यालय सिगरा काशी से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उनके प्रधान प्रबंधक जो हैं डॉक्टर अजय तिवारी जी, वो हमारे साथ विशेष रूप से इसी बात को सुनने के लिए जुड़े हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। और भी जितने महाविद्यालयों के लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप अपनी स्क्रीन पर नीचे देख पा रहे हैं कुछ एक चित्र, ये चित्र वो प्राचीन चित्र हैं जिसके आधार पर आपको इतिहास में ये पढ़ाया गया कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ था, यहाँ पर ना कभी ज्ञान की बात हुई ना कभी कोई चर्चा हुई और बड़ी पुरानी और पिछड़ी सभ्यता थी। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें अग्रसर होंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट के नाम देखने को मिलेंगे जो देखने में साइंटिस्ट आज की तरह पेंट कोट नहीं पहनते, आज की तरह लैब्स में काम नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने क्या कुछ नहीं खोजा उसकी जानकारी आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और देखेंगे कि जिसको आप कहते हैं कि मैक्स प्लैंक ने, आइंस्टाइन ने और बहुत सारे लोगों ने जो जो थ्योरीज दी हैं और उसके साथ क्या हम किसी बात का तालमेल बिठा भी सकते हैं कि नहीं बिठा सकते। तो कुछ एक नाम जरूर है जिसके बारे में डॉक्टर साहब बात करेंगे, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा। ये एक चित्र जरूर देखिएगा, मैं केवल भूमिका के रूप में आपसे ये बात कर रहा हूं। ये चित्र कर्नाटक के एक मंदिर, बिल्कुल एक पिछड़े क्षेत्र में मंदिर है, ये उस मंदिर की दीवारों पे बने हुए चित्र हैं जिनको हम विमान शास्त्र कहा करते थे। लिखित रूप में अलग बात है लेकिन ये चित्र वहां थे, हालांकि हम उनको कपोल कल्पना कह सकते हैं, सूडो साइंस कह सकते हैं, आपका जो दिल करता है, जैसा पढ़ा जाता है पढ़ाया जाता है वैसे आप उसको कह सकते हैं। लेकिन इस बात की मान्यता मुझे लगता है कि हम सभी देंगे कि अगर वो लोग ऐसी कल्पना कर सकते थे, ऐसी लाइंस ड्रॉ कर सकते थे या ऐसे एंगल बना सकते थे, ट्राइंगल्स बना सकते थे, तो निश्चित रूप से उन लोगों के पास कोई तो इंसाइट होगी। तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिनको हमने कभी उद्घाटित करने का कोशिश नहीं किया, हम एक खास तरह की कंडीशनिंग के साथ जीते चले जा रहे हैं। तो आज के रिसोर्स पर्सन से मैं आपका सबसे पहले परिचय कराना चाहूंगा और उसका हम स्वागत करेंगे। हमारे आज के रिसोर्स पर्सन हैं प्रोफेसर डॉक्टर धीरज कुमार चतुर्वेदी जी, जो फॉर्मर चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र और फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं यूनिवर्सिटी साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। आप उनकी उपलब्धियों को अगर देखें और ऐसी उपलब्धियों वाला व्यक्ति जो प्योरली साइंस में जिसने अपना सारा जीवन दे दिया हो, वो आज इस विषय पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं कि प्राचीन भारत में विज्ञान को लेकर के क्या चर्चाएं, क्या विषय रहे हैं, कौन से
ऐसी सूचनाएं हमारे पास हैं जिनके बारे में वो बात करेंगे। तो ये अपने आप में हम सभी के लिए बड़ी एक आश्चर्य वाली और गौरवान्वित करने वाली बात है। IIT रुड़की से उन्होंने MSc फिजिक्स किया, उसके बाद PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स ट्रिस्टी इटली में किया, मिला उनको, और उन्होंने कॉन्स्टेंस यूनिवर्सिटी जर्मनी में भी काफ़ी समय लगाया वहाँ पे, और कई विषयों पर उन्होंने वहाँ लेक्चर्स दिए हैं। आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं, मैं सारा नहीं पढ़ना चाहता, समय को बचाना चाहता हूँ और विषय की मर्यादा को भी रखना चाहता हूँ। उसके अतिरिक्त उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज में, जिनमें यूरोप की कई यूनिवर्सिटीज हैं, ऑक्सफोर्ड, ब्रिस्टल, लीड्स और ईस्ट इंपीरिया यूनिवर्सिटीज ऑफ UK जो हैं, वहाँ पर उन्होंने लेक्चर्स भी दिए और काम भी किया। और उसके बाद कितनी प्रेस्टिजियस पोस्ट है, यूगोस्लाविया एटमिक एनर्जी कमीशन बेलग्रेड में वो डिस्कशंस के लिए उनको आमंत्रित किया गया चर्चाओं के लिए, और उसके बाद लेटर पीरियड में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ज्वाइन की, और फिर उसके बाद पुनः उन्होंने जो है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में लेक्चरर के तौर पे काम किया, और लास्ट में कुरुक्षेत्र को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया और वहाँ एज ए रीडर उन्होंने ज्वाइन किया। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रोफेसर के पद से और चेयरमैन के पद से उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति ली है। तो ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर धीरज कुमार चतुर्वेदी जी का सम्मान करने के लिए मैं हमारे जो साथी हैं डॉक्टर रोशनलाल जी, डॉक्टर सुशील जी, प्रोफेसर सुनील जी, उनको निवेदन करूंगा कि वो नारियल दे करके और मंगल पात्र दे करके, उत्तरीय वस्त्र दे करके हमारे आज के मुख्य अतिथि का सम्मान करें, स्वागत करें। तो, मैडम इसको दर... नहीं नहीं प्लीज आप लोग आगे आ जाइए, क्योंकि ऑन स्क्रीन भी लोग देख रहे हैं, तो सर आप आगे आ जाइए प्लीज। कोई नहीं प्लीज, सुशील सुनील जी आप प्लीज आप लोग दीजिए। शुभम आप ऑन स्क्रीन जुड़े हो तुम, कोई है कि नहीं, मेरे मोबाइल से कर लो ना। धन्यवाद। हमारे साथ जो आज के अध्यक्ष हैं वो पहुंचेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और उनसे मैं आपका परिचय भी कराऊंगा। विमोचन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दो एक बातें आपको, उनकी पुस्तक के विषय में बताना चाहूंगा, हालांकि वो खुद इस विषय में सारी चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। पुस्तक का शीर्षक जैसा कि आप लोगों ने शुरू में देखा था कि साइंस इन एंशिएंट इंडिया, बहुत सारी एनर्जीज की डिस्टर्बेंस भी बीच में रहती है, तो इसके कंटेंट्स में 7 चैप्टर, वो अपना विषय जो है वो हिंदू कल्चर और ट्रेडिशन से शुरू करते हुए एंशिएंट साइंसेस की ओर जाते हुए मेडिकल साइंस, इंडियन काउ एंड पेशेंट्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिजिकल साइंसेस, साइंटिफिक बिल्डिंग्स, इन सब विषयों के ऊपर बहुत संक्षेप में लगभग 35-40 मिनट में वो आप लोगों से चर्चा करेंगे। और पुस्तक के विषय में वो स्वयं आप लोगों के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक पंक्ति में जरूर आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहूंगा उनकी पुस्तक की, अबाउट द बुक जो है, द पर्पस ऑफ दिस बुक इज टू ब्रिंग आउट द ऑथेंटिक साइंटिफिक नॉलेज ऑफ एंशिएंट इंडिया व्हिच रिमेन्ड हिडन फॉर इयर्स सिंस मोस्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज एग्जिस्टेड इन ओरल फॉर्म
फॉरनर्स हैव पेटेंटेड अवर नॉलेज इन देयर ओन नेम्स। तो ये बातें हैं जिनको हम थोड़ा सा देखने की समझने की कोशिश करें, और कई चीजें हो सकता है कि आपके कोर्स से रिलेटेड भी हो और ना भी हो, तो भी मुझे लगता है कि अगर आप सचमुच साइंस के विद्यार्थी हैं तो एक जिज्ञासा के भाव से उन सब चीजों को आप लोग सुने। तो मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर डॉक्टर धीरज कुमार चतुर्वेदी जी को कि वो मंच पर आए और हमारे साथ अपना वक्तव्य और ज्ञान हमारे साथ साझा करें। सर ऑपरेट कर लेंगे यही? हाँ, बस बस यही आगे पीछे। गुड मॉर्निंग, मैं अपना लेक्चर हिंदी में दूंगा। टॉपिक आपको पता ही है, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। ये बुक का टाइटल है और ये बुक अवेलेबल है, ये अमेजॉन पर भी है और पब्लिशर से भी ले सकते हैं। इट्स वेरी चीप, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, बाद में डिसाइड नहीं पढ़ना है। अब क्या मोटिवेशन था, आई विल स्पेंड फ्यू मिनट्स। ऐसा है कि अभी हम लोग सारे कोविड से गुजरे हैं, तो जब कोविड शुरू हुआ, लॉकडाउन था, तो एक क्वेश्चन आया कि टाइम को कैसे पास किया जाए। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि जो चीज हम अपनी लाइफ में नहीं कर पाए वो अब कर, क्या नहीं कर पाए कि हम साइंस काफी पढ़े, देश विदेश में खूब पढ़े, यहां भी देखा, चाहे बुक उठा के देखो तो विदेशी साइंटिस्टों के नाम आते हैं कि उन्होंने फलाने थ्योरी, उसने ये दिया, किसी भी इंडियन का नाम नहीं आता है सिवाय सीवी रमन के। तो ऐसे ही क्वेश्चन आया कि क्या हमारे लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तो इस समय को ऐसा गुजारना चाहिए कि जरा देखें कि क्या किया। अब जब पढ़ने की बारी आई तो मुझे ये नहीं पता था कि इंडिया में कौन साइंटिस्ट था। तो एक नाम मुझे याद आया, वो था आर्यभट्ट का। क्यों? क्योंकि इसरो ने अपनी जो पहली सैटेलाइट भेजी थी उसका नाम आर्यभट्ट रखा था। दूसरा, अगर आपने सुना होगा, मुझे नहीं पता लोगों ने सुना है, जीरो भारत ने दिया। कितने लोगों को पता है कि जीरो भारत ने दिया? वेरी गुड, चलो कुछ लोगों को पता है। तो जीरो आर्यभट्ट ने दिया। अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो ये हुआ कि वही पहला ही मैं पढ़ा कि या तो आर्यभट्ट गलत है या हमारे स्क्रिप्चर गलत है। क्यों? कि अगर आर्यभट्ट ने जीरो दिया तो हमें कैसे पता लगा कि रावण के 10 सिर थे या कौरव 100 भाई थे? जीरो था नहीं तो फिर 100 कैसे पता चल गया, 10 कैसे पता लग गया? तो यहां से मेरी क्यूरियसिटी शुरू हुई कि अगर जीरो पता था तो फिर आर्यभट्ट ने क्या किया, और अगर नहीं पता था तो 110 कहां से आया? तो आर्यभट्ट ने क्या किया, आई वॉन्टेड टू नो, और ये एज ए साइंटिस्ट मैंने इसको रिसर्च प्रॉब्लम लिया। एंड आपको मैं सही बता रहा हूं कि इसको सॉल्व करने में मुझे 2 महीने लगे। तो वो क्या था वो मैं आज आपको बताऊंगा, क्या आर्यभट्ट ने दिया। तो यहां से मेरी क्यूरियसिटी ने देखा, एक्चुअली जो डेसिमल सिस्टम, जो गिनती आप लोग सीखते हैं पहली क्लास से, ये आर्यभट्ट की दी हुई है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि गिनती किसने दी तो आप सारे कहेंगे पता नहीं, क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं। ऐसे ही जीरो को आप मल्टीप्लाई करते हो किसी से, आप कह देते हो जीरो है। एडिशन सब्ट्रैक्शन छोटे से बच्चे को आता है, लेकिन किसने दिया? इतना सरल नहीं था जब ये दिया गया,
ये रूल भी इंडियंस ने दिया, नेगेटिव नंबर्स आप सारे यूज करते हो, हर एक पहली क्लास से सिखाया जाता है, लेकिन अगर मैं कहूं क्या ये किसने दिया, पता नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हर एक कोई जानता है कि दो सॉल्यूशन होते हैं, ये किसने दिया, ये इंडिया ने दिया है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है या दूसरे प्लैनेट घूम रहे हैं, ये किसने दिया है, हमें सिखाया जाता है कॉपरनिकस ने दिया, लेकिन आर्यभट्ट ने कॉपरनिकस से 1000 साल पहले दिया। और इसीलिए लाइट आर्यभट्ट के नाम, क्योंकि जितनी भी स्पेस फिजिक्स है, जितनी भी एस्ट्रोफिजिक्स है, इस ऑल ड्यू टू आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट कब हुआ, उन्होंने किताब लिखा है 3 इयर्स ओल्ड, ये पूरा शास्त्र पढ़े, मतलब सारे वेद उनको आते थे, सारा उन्होंने रिसर्च किया और किताब लिखी, ही वाज ओनली 23 ईयर ओल्ड। और वहां और अप टू 13th सेंचुरी इंडिया में एक से एक महान गणितज्ञ हुए, और जितने इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन हो, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हो, जो न्यूटन इक्वेशन और लेबनीज के नाम से पढ़ाई जाती है, ये सारी इंडियंस ने की हुई है। तो दैट वाज माय मोटिवेशन। दूसरा मोटिवेशन ये था कि हमारे जो रीत रिवाज है, अब मैं इस पे आ रहा हूँ कल्चर पर, हम सोचते हैं अरे ये सब ढकोसला है, कुछ नहीं है इसका कोई साइंटिफिक। आप नमस्ते करते हो, हम लोग ग्रीटिंग में नमस्ते करते हैं, इसका साइंटिफिक क्या वो फायदा है, नमस्ते क्यों करते हैं, हम पैर क्यों छूते हैं। हम लोग जब घर में घुसते थे तो पैर पहले धोए जाते थे, जूते बाहर उतारे जाते थे, ये हमारे कल्चर का पार्ट था, लेकिन हमने कहा नो नो दिस इज नॉट कूल, हम हाथ मिलाने लगे। अब कोविड में पता चल गया कि हाथ मिलाने का क्या होता है, हाथ नहीं मिलाना है, है? जब हमारे यहाँ कन्वेंशन ग्राउंड पर जाते हैं, आके कपड़े बदलते थे, नहाते थे, किसी चीज को छूते थे, लोगों ने अरे इसमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो ऐसे ही थोड़ा सा पानी डाल लिया शुद्ध हो गए। अब आपको कोविड में पता लगा कि नहीं ये कितना जरूरी था, डेथ हो जाती थी 11-12-13 दिन होती है तो ये लगता था अरे 13 दिन कौन बैठेगा, दूसरे दिन उठाला करो और काम खत्म करो। तो ये सारी चीजें हमको कम से कम क्वारंटाइन 15 दिन का रहना चाहिए, 13 दिन का रहना चाहिए। तो ये हमारे लोगों ने कब किया, 1000 साल पहले, कोविड आया है आज। तो मैंने पहले चैप्टर में कुछ चीजों के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिए हैं, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या है। श्राद्ध मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्यों आप गाय को खिलाते हो, क्यों कुत्ते को खिलाते हो, क्यों कौए को खिलाते हो, क्यों ब्राह्मण को खिलाते हो, कौए को क्यों खिलाते हो, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। तो तुलसी की आप पूजा करते हो, क्यों करते हो, गाय की पूजा क्यों करते हो, तो ये मैंने साइंटिफिक कुछ कल्चर से रिलेटेड उनके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिए हैं। और ये बताने की कोशिश की है कि आपका हिंदू धर्म का कोई भी, चाहे वो रीत रिवाज हो, नॉन साइंटिफिक नहीं है। हर एक के पीछे साइंस है, सिर्फ हमको पता नहीं है। ये चैप्टर के बारे में बताई चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब मैं आऊंगा कि मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में आयुर्वेदा हर एक कोई जानता है, और ये भी जानते हैं आप कि आयुर्वेदा बहुत प्राचीन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयुर्वेदा वर्ल्ड की सबसे प्राचीन मेडिकल साइंस है, इससे प्राचीन नहीं की साइंस
नहीं है, चाहे वो चाइनीज हो चाहे आयुर्वेदा इज द ओल्डेस्ट मेडिकल प्रोसीजर। मैं आपको सुनते हुए पहुंचा हूं, मैंने आखिर के तीन वाक्य नहीं सुने, मैं शुरू कर रहा है। ओके, यस, सेटल डाउन। तो आयुर्वेदा जो है उससे हम सोचते हैं कि हर्ष लेना, पंचकर्म करना और यही आयुर्वेदा है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जब हम बात करते हैं सर्जरी की, तो सर्जरी के लिए हम सोचते हैं मॉडर्न मेडिकल जो है वो वेस्ट है, आयुर्वेदा तो वो सर्जरी जानता ही नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि पहला सर्जन वर्ल्ड का हिंदुस्तान ने ही दिया, और जो ऑपरेशंस आज आप सोचते हैं बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन है, ये सारे ऑपरेशन उन्होंने खुदता दी, उन्होंने सुश्रुता संहिता लिखी है, इसमें सारे एक्सप्लेनेशन दिए। ही वाज नॉट ओनली सर्जन, ही वाज आल्सो प्लास्टिक सर्जन। तो नाक अगर किसी की कट गई है उन्होंने उसकी सर्जरी करी, और ये सर्जरी हिंदुस्तान में आम आदमी करता था, जबकि इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी तक नाक की सर्जरी नहीं होती थी। डिटेल पढ़ने के लिए किताब पढ़ना पड़ेगा। अब से सुश्रुता का नाम कितने लोगों ने सुना है? जस्ट चलिए, कुछ लोग तो हैं, आई एम हैप्पी, मुझे नहीं पता था। तो हमारे किसी भी मेडिकल कॉलेज में उनकी कोई मूर्ति या फोटो नहीं है, लेकिन यहां देखिए ऑस्ट्रेलिया के रॉयल कॉलेज में इनकी मूर्ति लगी है, और क्या कहा गया है कि फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड, फादर ऑफ सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी। तो हम वैल्यू नहीं देते, लेकिन दूसरे दे रहे हैं। गाय की बात करें, अगेन दो ही चीजें कहना है कि गाय हमारे हजारों साल से ऋषि मुनियों ने उसको जानते थे, तो क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता, अगर पता होता तो शायद आप, गाय ऐसी है वो भी इंडियन गाय, इसीलिए मैंने कंपेरिजन दिया है कि जो इसमें खूबी है वो आपकी विदेशी गायों में नहीं है। क्या है खूबी? गाय के हम्प होता है, ये देसी गाय के लिए है। आप देखिए विदेशी गाय में हम्प नहीं है। हम्प का क्या फायदा है? इससे एक नाड़ी निकलती है जो कि इसकी बैकबोन से जाती है, जिसको सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं, और ये क्या करती है, इट एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस। तो जो रेडिएशन सन से आ रहे हैं, मून से आ रहे हैं, स्टार से आ रहे हैं, इवन अदरवाइज रेडिएशन है, वो ये एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हार्मफुल रेडिएशंस को भी एब्जॉर्ब करती है, इसलिए गाय के अराउंड जो एनवायरमेंट है इस क्लीन, और इसका नतीजा क्या होता है इससे एब्जॉर्ब करने से, कि जो इसके ब्लड में गोल्ड साल्ट बनते हैं, गोल्ड साल्ट की वजह से जो गाय का दूध है वो पीला होता है, और इसकी वजह से गाय के यूरिन में, गाय के गोबर में, सब में ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। और क्या क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, व्हेन यू रीड द बुक यू विल सरप्राइज कि कोई ऐसी डिसीज नहीं है जो ये ठीक ना होती। गाय का जो यूरिन है, ओनली थिंग वन थिंग आई विल से कि इतनी इंटॉक्सिकेंट है ये, कि अगर आपने ज्यादा दवाई खा ली है, बॉडी में टॉक्सिन बढ़ गए हैं, यूरिन इज द बेस्ट मेडिसिन गाय के। और तो और अगर आपका जैसे कोई
पॉइजन है आप कंटेनर में रखते हैं उसको पानी से वाश करेंगे पॉइजन खत्म नहीं होगा, उसको रिंज करने के लिए काओ यूरिन यूज होती है। तो जितने आप रहते हैं ये आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इंडिया में गाय की सबसे ज्यादा हालत खराब है, हमारी सड़कों पर छोड़ दिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि गाय दूध कितना देती है? 2 लीटर मैक्सिमम। तो किसान क्या करता है, गाय की जगह भैंस पालता है ज्यादा दूध के लिए, या जर्सी गाय लेके आता है फॉरेन का, हिसाब दूध प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जबकि बाहर वालों ने, हमने तो नहीं समझा, उन्होंने इंडियन गाय को पहचाना, ब्राजील ने 19 सेंचुरी में यहां से एक सिप भर के गाय और बैल ले गए थे और उससे उन्होंने अपने यहाँ गाय को बढ़ाया। आज ब्राजील में 6.5 मिलियन इंडियन काउज हैं और इतने से ज्यादा उन्होंने एक्सपोर्ट कर दी या बीफ के रूप में खा ली। और ये आप कहेंगे गाय दूध ज्यादा नहीं देती, तो ये मैंने जो फोटो दिखाई है ये ब्राजील की गाय की है और ये गाय 62 लीटर पर डे दूध देती है। एंड ब्राजील इज द मैक्सिमम एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। और आपको सरप्राइज होगा, आपने सुना होगा डेनमार्क फिनलैंड इनमें गायों की संख्या ह्यूमन पॉपुलेशन से ज्यादा है, स्टिल फॉर देयर डोमेस्टिक कंजम्पशन दे इंपोर्ट इंडियन काउ मिल्क और अपना हम लोगों को देते हैं। पाउडर जो आप डेयरी में उसका पीते हैं वो सब उनका पाउडर है जिससे कि हमारे यहाँ हम ये बनाया जाता है। तो दिस इज द थिंग, आप इसको पढ़ेंगे तभी है। अब आते हैं हम अपने ऋषियों के बारे में। रामायण में आपने सुना होगा कि रामचंद्र जी लंका से जब लौट के आए तो पुष्पक विमान से आए। अभी आशुतोष जी ने बताया कि साउथ में मंदिर में कुछ विमान की फोटोज उकेरी गई है, तो ये कहाँ से आई? तो अगर कुछ लोगों ने जिन्होंने रामायण पढ़ी हो याद होगा कि जब रामचंद्र जी अयोध्या से चले वन के लिए तो वो प्रयागराज आए। प्रयागराज में वो ऋषि भारद्वाज के आश्रम में गए, वहाँ उनसे मिले। तो ये वही ऋषि भारद्वाज जी हैं जिन्होंने आयुर्वेद भी लिखा है, काम किया है और एक पुस्तक लिखी जिसको विमान संहिता कहते हैं। इसमें करीब 500 मॉडल्स हैं जिसके बारे में लिखा गया था। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये कहाँ है किताब? तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि जब मुस्लिम इन्वेडर्स आए उन्होंने हमारे लाइब्रेरी जला दी, हमारे यूनिवर्सिटी जला दिए, हमारे ग्रंथ जला दिए, सारे कुछ जला दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। उसके बाद अंग्रेज आए 1857, अभी कल या परसों आपने मनाया होगा, तो 1857 के बाद अंग्रेज यहाँ से काफ़ी डिफीट हो गए थे। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को रिप्लेस करके ब्रिटिश राज शुरू हुआ और उन्होंने वो अब शिक्षा अपनाई जो मैकाले ने दी थी। मैकाले ने जो नाम सुना होगा उसने एजुकेशन पॉलिसी 1835 में दी थी। तब ब्रिटिश ने ये कहा कि अरे कौन इंग्लिश पढ़ाएगा, हम तो यहाँ पैसा कमाने के लिए आए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा कमाने में थी। लेकिन जब 1857 के बाद ब्रिटिश राज को ये हुआ कि भाई अगर यहाँ जमना है तो हमें मैकाले की थ्योरी को लगाना पड़ेगा, तो उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम शुरू किया और हमारे जो गुरुकुल थे जो संस्कृति उसको बैन कर। ऑन द अदर हैंड उनको यह लगा कि जो यहाँ के संस्कृत के ग्रंथ हैं उनमें बहुत बड़ी छिपी हुई है, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई कि भाई सर्च करो
साइंस ये ग्रंथ कहाँ कहाँ उपलब्ध है, तो उसमें दो किताबें मिली जो साइंटिफिकली हैं, जिनका मैं करूँगा। एक मिली विमान सम्मिश्री, मिली अगस्त संहिता, जो उज्जैन की लाइब्रेरी में थी। तो दो हैं, इनमें दो टेक्निक हैं जिनके बारे में बात करें। तो ये विमान संहिता, अब ठीक है आप विश्वास करो या ना करो, जब तक कोई एक्सपेरिमेंट ना करे। तो शिवकर बापू जी तलपड़े थे, मुंबई में एक टीचर थे, संस्कृत के विद्वान थे, इन्होंने विमान संहिता पढ़ के एक विमान बनाया, और इस विमान को बॉम्बे चौपाटी पर, गिरनार चौपाटी जो है वहाँ पर, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया और सारी पब्लिक के सामने, जिसमें हाई कोर्ट के जज थे, महाराजा बड़ौदा थे, और ये विमान 1500 फीट ऊंचा उड़ा, कुछ मिनट तक रहा, फिर गिर गया। तो लोकल न्यूज़पेपर्स में आया, खबर हुई। इस खबर को सुनते ही लंदन की एक कंपनी रेले ब्रदर्स, वो उनके घर पहुंचे कि भाई हमें अपनी डिजाइन दो, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से तुमको पैसा दिलाएंगे, मान दिलाएंगे, और उनकी डिजाइन ले गए और उसके बाद मुड़के नहीं आए। तो 1895 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, 1903 में राइट ब्रदर्स आए अमेरिका के, और उन्होंने विमान की फर्स्ट वो करके अपने नाम पेटेंट करा लिया। तो समझा ये जाता है कि जो इनकी डिजाइन ले गए वो उन्होंने अब उसको यूज किया और अपना वो कर लिया, तो राइट ब्रदर्स ने लिया। अब आता है अगस्त संहिता। आपने सभी ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, आपको सबको बीएससी में या 12th क्लास में अल्ट्रा सेल पढ़ाया गया कि साहब दो लीजिए, एक्सटर्नली जब आप कनेक्ट कर देंगे तो एक करंट बहेगी और एक वोल्टेज डेवलप होती है। वोल्टा 1800 में हुए। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, हजारों साल पहले हमारे इंडिया में तो ये इलेक्ट्रिसिटी थी, रामायण जमाने में इलेक्ट्रिसिटी थी, तो उन्होंने वो लगाए और इलेक्ट्रोलाइट की जगह इन्होंने H2O वाटर यूज किया। तो जब करंट गई तो H2O स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आप एक इलेक्ट्रोड पे जाएगा, ऑक्सीजन दूसरे। तो इससे उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना भी उस टाइम करा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उन्होंने करी। तो गोल्ड आभूषण भी थे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग आती थी, तो जो कहते हैं ना सीता जी ने अपने आभूषण फेंके, आप कहते हो उन पर आभूषण कौन से थे, कहाँ से आए, कैसे थे, आभूषण थे क्योंकि वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जानते थे। विमान में कैसे चलता था इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी थी। और उन्होंने ये भी दिया है कि इन सेल्स को आप सीरीज में जोड़ सकते हो, और 100 सेल तक सीरीज में जोड़ने का था। और ये भी दिया कि चार्ज इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, उन्होंने उसके लिए संस्कृत वर्ड्स यूज किए। तो ये टेक्निक थी। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता ये थी भी कि नहीं थी, किसने लिखी, तो इसका भी वेरीफाई हुआ। एक मिशनरी थी, जर्मन मिशनरी इन केरला, उन्होंने 19th सेंचुरी में इस अगस्त संहिता का ये एक्सपेरिमेंट को टेस्ट किया, ऑक्सीजन बनाने के लिए प्योर ऑक्सीजन। तो उन्होंने देखा कि हाँ ये तो वर्क कर रहा है। अब आपको एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज बता दूँ, ऑक्सीजन का आयन होगा। अब ऑक्सीजन का आयन कंबाइन करके दो ऑक्सीजन आयन क्या बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन आयन कैन कंबाइन एंड दे कैन गिव यू ऑक्सीजन प्लस ओजोन। अब ओजोन क्या है, ओजोन O3 है,
ऊपर सरफेस पर ये स्टेबल है, इसलिए आपको ओजोन लेयर मिलती है उस ऊपर और आपको रेडिएशन से बचाती है, पर अर्थ सरफेस पर ओजोन इज अनस्टेबल। अनस्टेबल होके ये फिर ऑक्सीजन देगी और एक फ्री ऑक्सीजन आयन देता है। ये ऑक्सीजन आयन कैन कंबाइन विद एनी इम्प्योरिटी, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे कैसी हो, उससे कंबाइन कर जाता है और ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसलिए इम्प्योरिटीज को खत्म करता है, एनवायरमेंट को क्लीन करता है। तो ऑक्सीजन आयन बनाने से रूम को प्यूरिफाई कर दिया। अब जैसे ही इनको ये टेक्निक वेरीफाई की, इन्होंने इमीडिएट बर्लिन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को कर दिया और उन्होंने वहाँ ओजोन जनरेटर बनाया और 1896 में उसको पेटेंट कर लिया। अब आपको मैं उसका व्हाट इज ओजोन जनरेटर, ये एसी आपकी प्यूरिफाई भी करते हैं, आपको हवा भी देते हैं ठंडी, और एयर भी प्यूरिफाई करते हैं, आपके बैक्टीरिया वगैरह इससे खत्म हो जाते हैं। क्यों? इसमें ओजोन जनरेटर लगा हुआ है। तो जो रूम प्यूरिफायर आता है विच इज नथिंग बट ओजोन जनरेटर आर्टिफिशियली, और वो उन्होंने पेटेंट कर लिया जो कि अगस्त संहिता से गया। अब मैं आपके पास एक्चुअली और भी है, अगर आप महाभारत जाए तो वेद व्यास का नाम तो सभी जानते होंगे, हाथ उठाओ जरा, वेद व्यास को कौन जानता है? सारे जानते हैं, वेरी गुड। ना वेद व्यास का जन्म जो हुआ वो किसके बेटे थे? वो ऋषि पाराशर के बेटे थे, एंड पाराशर वाज द फर्स्ट एस्ट्रोलॉजी के होते। उन्होंने पाराशर संहिता लिखी है जिसमें उन्होंने कहा कि ये ग्रह जो है हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो मैंने कहानी लिखी है कि उनका महेश वेद व्यास का जन्म कैसे हुआ। उन्होंने देखा कि बड़ा शुभ मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो बच्चा गर्भ में आएगा वो विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा। और वो नाव में जा रहे थे, उनके साथ सत्यवती जो हुई बाद में महाभारत की, वो मत्स्यकन्या थी, वो नाव चला रही थी। उन्होंने उससे कहा कि भाई अगर हम लोग बच्चा करें तो लक्षण उसका होगा। एनीवे देयर इज ए स्टोरी, उन्होंने क्या वरदान दिए। तो वेद व्यास जी का जो जन्म हुआ वो एक एस्ट्रोलॉजी का फर्स्ट करिश्मा था। ये एस्ट्रोलॉजी बाद मीरा ने प्रूव किया कि एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट इज साइंस, तो इसलिए मैंने ये करा। दूसरा जो है, सभी आप लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि राइट एंगल में दो साइड का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर है, ये वो है। पाइथागोरस वाज इन 4 BC, 4th century BC में। अब ये जो ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे, यज्ञ वेदी बनाते, यज्ञ वेदी की रचना ऐसे नहीं है कि बोल बना लो आप जैसा मर्जी, आड़ा तिरछा बना लो, इसकी एक बाकायदा ज्योमेट्री होती थी। ज्योमेट्री को देने वाले थे बोधायन, ऋषि बोधायन। उन्होंने एक सूत्र दिया जिसको सलु सूत्र कहते हैं, ये यजुर्वेद में दिया हुआ है, और ये नथिंग बट द सेम कि दो साइड की जो स्क्वायर है या एरिया है वो हाइपोटेन्यूज के बराबर होना चाहिए, तभी वो रेक्टेंगल बनेगा। इंद्र में है और बाकी प्लैनेट्स उसके अराउंड घूम रहे हैं। दूसरा उन्होंने दिया 0। तो
सूर्य सिद्धांत से ही एस्ट्रोफिजिक्स शुरू हुई है, उससे पहले एस्ट्रोफिजिक्स नाम की चीज नहीं थी और उसी से स्पेस साइंस आई। तो इट जनरेटेड ए ब्रांच ऑफ साइंस। दूसरा, जीरो के बाद ही मॉडर्न मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स नाम की चीज हुई, उससे पहले साइंस ही थी। तो अब ये मैंने जैसे बताया कि 23 साल की उम्र में इन्होंने आर्यभट्टिया मुक्ति, और आपको ये भी बता दूं कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन थे, चांसलर थे। नाउ ये क्या होता है, उससे पहले क्या था? उस पहले जो था, आर्यभट्ट से पहले अरिस्टोटल ने एक मॉडल दिया था कि सारे प्लैनेट्स अराउंड घूमते हैं, लेकिन वो किसके बोलते हैं, अराउंड अर्थ। अर्थ को उन्होंने सेंटर लिया, और ये उन्होंने लिया कि अर्थ बड़ी हैवी है, अगर अर्थ घूम रही होती तो अगर हम तो हमारे हाथ में नहीं आ, क्योंकि अगर घूम रही है तो वो पीछे जाएगी। तो उन्होंने कहा चूंकि आ रही है तो इसका मतलब अर्थ स्टेशनरी है। इंटरेस्टिंग ये है कि ये हुए थे 4th century BC, मतलब सिकंदर के जमाने के थे। एंड हिज थ्योरी वाज एक्सेप्टेड इन द होल यूरोप, और यही बाइबल में एक्सेप्ट किया गया। तो जब जो चीज बाइबल में आ जाती है रिलीजियस में,
एक्चुअली आपका लैपटॉप डिसकनेक्ट हो गया, इसीलिए इसको रखकर बता रहे थे। जी जी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेट हमें अवेलेबल हो जाए। आप लोग बस एक आध मिनट वेट करिए एसडब्ल्यू जी डैश बी डी ई टी वी डी ई टी डैश एम के डी जस्ट वन सेकेंड। हाँ ये क्या हो रहा है, अच्छी सारी प्रॉब्लम्स होनी है। चलिए आप अपना तो शुरू कर सकते हैं बच्चों के साथ। एक मिनट शेयर कर दूँ, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर दूँ। वो सभी
सर कृपया अपने आप को म्यूट करें, आवाज नहीं आ रही। कृपया माइक्रोफोन ऑन कीजिए, आवाज नहीं आ रही। सर आप अनम्यूट हो गए हैं। जी अब सही है। चलिए ओके, आवाज आ रही है। हाँ मैं जरा दो मिनट वेट कर रहा हूँ। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं अभी आ रही है। अभी आ रही है, आ रही है? अब आ रही है, आ रही है। ओके ओके थैंक यू। तो मैं आपको शुरू से जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि हम नंबर को अंकों में कह सकते हैं या लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो जैसे वन आप इस सिंबल के रूप में कह लीजिए या वन लैंग्वेज के रूप में कह लीजिए। तो वैदिक टाइम में 1 to 9 हमारे पास सिंबल थे और 0 जब जरूरत पड़ती थी तो वो उसको 0 लिखते थे। ऐसे ही 10 की जरूरत पड़ती थी तो वो 10 कहते थे, 100 की जरूरत पड़ती थी तो वो सहस्र कहते थे। तो 10 to the power of को जब भी जरूरत पड़ती थी वो उसके संस्कृत में नंबर थे। अब 1 से 1 को कैसे करते, क्योंकि उसमें भी 0 आ रहा है। तो उनके पास वैदिक मैथमेटिक्स था और 1 to 9 वो सारी उसको जनरेट कर रहे थे। तो दे कुड हैव ऑल द नंबर्स, जो बड़े से बड़े नंबर जो वैदिक मैथमेटिक्स कहलाता था। तो उनके पास वैदिक मैथमेटिक्स भी था, वैदिक ज्योमेट्री भी था, सब कुछ था। तो दैट्स वाई जब आप देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में इट वाज ए अर्बन डेवलपमेंट, सड़कें वो थी, दैट मीन दे हैड ए हाईली डेवलप्ड ज्योमेट्री मैथमेटिक्स। इवन मैंने देखा है पोस्ट हड़प्पन साइट जिसमें जो कुआं था वेल, वाटर वेल, वो उस टाइम भी गोल होते थे और गोल बनाने के लिए वो ईंटों को काट के नहीं बनाते थे बल्कि उसी तरह की ईंट डिजाइन करते थे जैसी उस ज्योमेट्री के लिए जरूरत थी। सो दैट मीन्स उनको जो फ्रेम बनाने के लिए सारी ज्योमेट्री दे न्यू। तो ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स वाज हाईली डेवलप्ड इन वैदिक काल। तो आर्यभट्ट ने क्या किया, आर्यभट्ट ने शून्य का या 0 का सिंबल दिया। इसीलिए कहते हैं कि आर्यभट्ट है नाइदर डिस्कवर्ड नॉर क्रिएटेड इन्वेंटेड 0, रादर ही गेव द सिंबल फॉर 0। तो ये 0 का सिंबल उन्होंने दिया। अब 0 के सिंबल देने के साथ 10 डिजिट हो 0 to 9, इसीलिए इसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं। डेसी मीन्स 10। अब आप देखिए, अगर आप बच्चों को ऐसे बता दो कि 0, 1, 2, 9 ये सिंबल है। अब आपने 10 के लिए क्या है, 1 उठाइए और सबके साथ 1-1 लगा दीजिए तो 10 बन जाएगा, 11 बन जाएगा, 19 बन जाएगा। एक बस 0 to 9 याद करना है, 1 लगा दो 10 से 19 हो गई, 2 लगा दो 20 से 29 हो गई, 3 लगा दो 30 से 39 हो गए। तो बच्चे को जो 100 तक की गिनती मदर्स डेली होमवर्क कराते कराते 1 साल परेशान होते हैं, बच्चे को रटना नहीं पता, बच्चे गिनते 11, 12, 15, 16, 17, 18 मतलब करते हैं बच्चे हैं, उनको 2 मिनट में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे कर लो, कितनी भी आप गिनती कर सकते। तो दैट वाज दी आर्यभट्ट नंबर सिस्टम, ये हमको बताया नहीं जाता।
अब इतना सिंबल नहीं था, जीरो को कैसे मैथमेटिक्स में ऑपरेट करें, ये अच्छे अच्छे प्रकांड विद्वान जो उस टाइम थे उनको भी समझ में नहीं आया, न तो हिंदुस्तान के किसी इसको समझ आया, न आपके ग्रीक मैथमेटिशियंस को समझ आया कि जीरो को मैथमेटिक्स में कैसे ऑपरेट करें फॉर 100 ईयर्स टिल ब्रह्मगुप्त केम इन। एम ब्रह्मगुप्ता ने रूल्स फॉर जीरो दिया, तो ये इन्होंने 628 में दिया जबकि आर्यभट्ट का नंबर आया 499 में, 125 साल लगे। अब उसने कैसे नंबर जीरो डिफाइन किया कि किसी नंबर को और उसी नंबर से घटाया जाए तो जो नंबर आता है उसको जीरो कहते हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो। और जब उसने ये डिफाइन कर दिया तो उसने रूल दिया कि कोई नंबर में जीरो जोड़ दो वही रहेगा, ये सारा आपको पता है। लेकिन यहाँ पे वो दो गलती कर गया, उसने कहा कि कोई नंबर n डिवाइड बाई जीरो इज आल्सो जीरो, n जीरो डिवाइड बाई जीरो इज जीरो। अब आपको पता है कि जीरो वाई डिवाइड बाई जीरो इज इनडिटरमिनेट अननोन है, एन एन डिवाइड बाई जीरो इज इंफिनिटी, आपको पता है, लोगों को नहीं पता था। और इसको समझने में 500 साल लगे, 500 ईयर्स। इसी तरह से ब्रह्मगुप्त का जो दूसरा था कि भाई अगर हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, 3 में से 5 को घटाओ तो क्या मैथमेटिकल बचेगा। अगर इसको लैंग्वेज में कहें कि अगर आपके पास 5 रुपए थे और मैंने 7 रुपए आपसे ले लिए तो आपके पास क्या बचा, मींस कि जो डेप्ट और प्रॉफिट का कंसेप्ट था ये ब्रह्मगुप्त ने इंट्रोड्यूस किया, ही इंट्रोड्यूस नेगेटिव नंबर और उनको कैसे आप मैथमेटिकली ऑपरेट करते हैं उसका रूल दिया। ब्रह्मगुप्त ने किताब लिखी ब्रह्म स्फूर्ता सिद्धांत, और ये ट्रांसलेट हुई 9th सेंचुरी में बाय अब्बास कैलिफ अल मंसूर ऑफ बगदाद के खलीफा, हिंदुस्तान आया एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, और उसने इस किताब का अरबिक में ट्रांसलेशन किया। इसके बाद अरब में ये नंबर पहुंचे, तो इसीलिए जब हम हिंदी के नंबर लिखते हैं तो आजकल गूगल क्या कहेगा, अरबिक न्यूमरल्स, जबकि अरब वाले हमसे ले गए तो नाम उनका चल रहा है। क्यों? क्योंकि अरब से ये इंफॉर्मेशन पहुंची यूरोप, तो यूरोप को जो इंफॉर्मेशन गई वो अरब से गई, इसलिए यूरोप वालों को अरब वालों ने उससे पहले वहां पर ये रोमन नंबर यूज
कितने लोगों को ऐसे कर सकते हैं? आपने दिया ही नहीं किसी को, तो आपका खर्च ही नहीं हुआ, आप इनफाइनाइट लोगों को। एंड दैट्स हाउ ही इंट्रोड्यूस इन्फिनिटी, टेन एनी नंबर डिवाइड बाई जीरो इज इन्फिनिटी। तो मैथमेटिक्स में इन्फिनिट इंट्रोड्यूस करने वाला भास्कराचार्य था। भास्कराचार्य ने ही किसी नंबर का जब स्क्वायर रूट लो तो दो आते हैं, प्लस वैल्यू एंड माइनस वैल्यू, उसने दिया है। एंड नॉट ओनली दैट, ही हैज डन ट्रेमेंडस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को सॉल्व किया जितनी मैथमेटिक्स की, और उसने चार टेक्स्ट बुक लिखी। दीज टेक्स्ट बुक्स आर कॉल्ड, एक थी लीलावती। अब लीलावती अरिथमेटिक की बुक थी। आप कहोगे लीलावती किसे क्या लेना देना, तो एक्चुअली ये उसकी लड़की का नाम था जो बहुत बचपन में विडो हो गई थी। तो उसने उसके उसमें, जैसे बच्चों को आप पूछते हो तो बेटा तुमको मैंने तीन पेंसिल दी, चार दिए, दो रबड़ दी, कितने हो गए तुम्हारे पास? तो इस तरह का लैंग्वेज उसने यूज की टू डिस्क्राइब द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, और वो अरिथमेटिक की बुक रही और बहुत बढ़िया बुक रही। दूसरी उसने लिखी बीजगणित। बीजगणित हमें पता है इंग्लिश में एलजेब्रा कहते हैं, हिंदी में बीजगणित। एलजेब्रा की थी, गोलाध्याय, स्फेरिकल ज्योमेट्री, ग्रह घनत्व, ग्रहों के बारे में। तो इन्होंने ही थ्योरी दी थी, कैसे एक्लिप्स की थ्योरी, सारे ईयर का कितना वो होगा। और ये इनकी जो बुक थी ये थ्रू आउट इंडिया में टेक्स्ट बुक थी, अब तक थी फॉर 700 ईयर्स। ब्रह्मगुप्त की जो बुक थी 700 ईयर्स तक टेक्स्ट बुक चली। जब इन्होंने मैकाले प्रिंसिपल लगाया, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लगाया, इन बुक्स को बैन कर दिया और इंग्लिश की किताबें चलाई गई। तो दैट इज अबाउट भास्कराचार्य। टाइम बहुत हो गया क्या? दो मिनट लगा, बस दो मिनट। बहुत कुछ है, ओनली थिंग आई विल से कि देखिए हमारे पास तीन बिल्डिंग्स हैं, कोणार्क टेम्पल, खजुराहो टेम्पल एंड जंतर मंतर। जंतर मंतर दिल्ली में देखा होगा, ये वर्ल्ड की 10 साइंटिफिक बिल्डिंग्स हैं। एंड कोणार्क टेम्पल, इट वाज द यूनिक मॉन्यूमेंट जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग का ये यूनिक नमूना था जो 12th सेंचुरी में बना। और क्या इसकी खासियत थी कि ये सूर्य भगवान का मंदिर था। सूर्य भगवान की जो प्रतिमा थी वो पेडेस्टल लगी नहीं थी, ये आधार में रहती थी। और इस तरह से डिजाइन था कि सूर्य की पहली किरण उनके सीने में पड़ती थी और वहां पे एक डायमंड लगा हुआ था और उसको रिफ्लेक्ट करके पब्लिक के दर्शन होते थे। तो इतनी ज्योमेट्री थी कि पहली किरण पूरे साल बदलता रहता है, किसी से टकराए नहीं, गर्भ ग्रह में जाए। और तो ये अपनी तरह का ही एक नमूना था। माइथोलॉजी भी थी, डिटेल पढ़ने के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। सो विद दिस I will thank you. I think the new commission is to निश्चित रूप से ये आंखें खोलने वाला सेमिनार था, रोंगटे खड़े कर देने वाला सेमिनार था।
आज तक हमें कभी इस इन विषयों के और बताना भी किसने था, क्योंकि हमें हमारे अध्यापकों को खुद ही नहीं पता था। जैसा कि मैंने शुरू में ही ये बातें आपसे साझी, हाँ बिल्कुल ही नहीं पता था। और डॉक्टर साहब भी अब इस उम्र में 80 की उम्र में आकर के कितने एक्टिवली इस चीज को उन्होंने परस्यू किया है, वाकई वो साधु आपके पात्र हैं। यही एक सबसे बड़ी समस्या रही है इस भारत की एजुकेशन की, इंडिया की एजुकेशन की, भारत की नहीं है वो, इंडिया और भारत दो अलग अलग चीजें हैं। इंडिया की जो एजुकेशन ट्रेडिशन है वो बहुत कंडीशनिंग कर देती है आपको, बिल्कुल उस घोड़े की तरह बना देती है तांगे में जुते हुए, जिसकी आंखों के ऊपर वो लगा देते हैं कि बस ऐसे सीधा चलना, इधर मत देखना। लेकिन जब भारत की आप बात करते हैं तो यहाँ पर ऑल इंक्लूसिव आपकी कल्चर, एजुकेशन कल्चर रही है, ऑल इंक्लूसिव लैंग्वेज रही है, इसलिए यहाँ पर कहानी और साइंस कभी अलग नहीं रहे। आपको लगता है कि कभी किसी कहानी को आप बिना साइंस के बना सकते हैं? कहानी का फंडामेंटल जो होता है वो एनर्जी होती है और आपका मैटर होता है, जिस आप कह देते हैं नाउन और वर्ब, ये उसी की फॉर्म्स हैं। लेकिन हम लोग उस तरह से नहीं पढ़ाएंगे, अरे 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 ये तो पिछड़ी बातें हो गई, ये तो साइंस की बात नहीं हुई। ऐसी जड़ताएं हमारे, हमने खुद अपने पर आरोपित कर ली और हमने अपनी संस्कृति को निंदित किया, और इसीलिए बार बार आता है अपनी सेल्फ एस्टीम को जो है वो जागृत करें। हम लोगों ने बहुत 70 साल जो है अपनी निंदा कर ली खुद, कि हिंदुस्तान में था ही कुछ नहीं और जो कुछ था वो सारा का सारा निंदा के योग्य। अपने कार्यक्रम की ओर अग्रसर होते हैं। पुस्तक के बारे में आपने सुन लिया, लेकिन हमारे साथ आज के हमारे अध्यक्ष और अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए हमारे साथ विद्यमान है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, जो वाइस प्रेसिडेंट कम डायरेक्टर हैं हरियाणा ग्रंथ अकादमी पंचकूला के, और बहुत सारी इनकी उपलब्धियां रही हैं। मूलतः है वो प्रोफेसर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के, कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन के, और बड़ा व्यापक उनका लंबा अनुभव है टीचिंग का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी। और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में के दौरान उन्होंने हरियाणा में जितने भी लेखक थे उन लेखकों को उन्होंने प्रमोट किया और उनकी पुस्तकों को छापा, उनमें जो है उनको पुरस्कृत किया, और हर तरह से पुस्तक संस्कृति को, ग्रंथ संस्कृति को विकसित करने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किए हैं, जिसके लिए वो नितांत साधुवाद के पात्र हैं। ऐसे डॉक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी को, इससे पहले कि हम पुस्तक विमोचन करें, मैं माननीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि उनको मंगल पात्र और उत्तरीय वस्त्र देकर के वो उनको सम्मानित करें, और उसके बाद हम आज की पुस्तक का विमोचन करेंगे। सर आप इस सम्मान को ग्रहण करें। बलेश जी आप नहीं, मैं यहाँ से आपकी फोटोग्राफ करूंगा। हमने सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार ये पीला वस्त्र जो कि ज्ञान का प्रतीक है, उत्तरीय वस्त्र के रूप में हम ये प्रदान करते हैं, और मंगल पात्र जिसमें एक नारियल होता है वो इसलिए देते हैं क्योंकि जो कुछ भी ज्ञान की बात होनी है वो इस धरती पे होनी है, इसलिए वो प्याला दिया जाता है। और जो नारियल होता है वो नारियल देने के लिए ये होता है कि कृपया अपना माइक म्यूट रखें, और नारियल जो है उसके तीन भाग होते हैं, बाहर का ठोस भाग, भीतर का जो खाने वाला, इसको ऑफ कर दी। कृष्ण जी प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब होता है। तो वो सारे का सारा आपकी मनुष्य की चेतना के तीन स्तर होते हैं, तो ये धरती जिसके ऊपर चेतना पैदा होती है यहीं पर सारा ज्ञान होता है, इसलिए ये मंगल पात्र और ये उत्तरी वस्त्र दिया जाता है। अब हम समय है कि आज जो लेक्चर आपने सुना है, जो बातचीत आपने सुनी है, उसको
उसको यहाँ से न्यू ऑन ऑफ होगा, वहाँ से ऑफ होगा वो उस वाले से वहाँ से। कृष्ण जी प्लीज आप तो हम पुस्तक का विमोचन करते हैं और उसके लिए मैं पुलिस से निवेदन करूंगा कि पुस्तक लाएं और आगे सर आप आ जाएं। मतलब पूरा तो किला घर कौन से अपने घर से सर आप आगे आ जाइए। ये पुस्तक वीरेंद्र सिंह चौहान जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया जा रहा है आज, साथ में प्राचार्य महोदय प्रोफेसर सुनील जी। नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं, सब शुभ ही है, दिलेश जी उसमें सहायता कर रहे हैं और ये पुस्तक जो है हमारी लाइब्रेरी में उपलब्ध है, आप लोग कभी भी इशू कराकर इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित कर रहा हूं देखो कि जितने वो, क्योंकि उलट कर रहा हूं कि वो कॉलेज की ओर से दो शब्द। थैंक यू आशुतोष प्रोफेसर रविंद्र चौहान जी आज के हमारे इस फंक्शन के मुख्य अतिथि, प्रोफेसर डी के चतुर्वेदी सर मेरे सनातन धर्म कॉलेज के साथी और प्यारे बच्चों, आज सच में मेरे लिए स्पेशली एक बड़ी खुशी की बात है क्योंकि चतुर्वेदी सर का मैं पहला स्टूडेंट हूं। आप जो कुछ भी आप आज ये कहेंगे कि जो मैं आज जिंदगी में कुछ हूं थोड़ा बहुत, तो इन्हीं की बदौलत है। हाँ इतना फर्क जरूर है सर में, जब हमें ये पढ़ाते थे और जब मैं इनके साथ पीएचडी करता था तो ये 100-100 पेज की डेरिवेशन कराते थे लेकिन आज इन्होंने बड़े अच्छे फार्मूले बताए हैं। देखो अब तो याद आता है नहीं तो मैं भाई बैठा सोच रहा था ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, तो मैं बैठा सोच रहा था जब सर बता रहे थे कि सर ने उस टाइम तो हमें ऐसे फार्मूले नहीं बताए, ऐसा मैथमेटिक्स बहुत टफ मैथमेटिक्स बताते थे। 7-8 दिन बाद जब मैं काम करके जाता था तो पता लगता था तो सारे गलत ड्राइव कर दिया है। और हालांकि हम भी मैथमेटिक्स में काफी अच्छे स्टूडेंट होते थे, लेकिन मैं कई बार टिल डेट में ये सोचता हूं कि जब सर का मैथमेटिक्स था दैट वाज अनमैच्ड, 100-150 पेज की डेरिवेशंस, हो सकता है 1.5 महीने तक हम वो ड्राइव और एंड में पता लगता है 1.5 महीने बाद कि वो एक गलत हो गया, कुछ ना कुछ समथिंग इज रॉन्ग, फिर स्टार्ट में करते थे। और कई बार तो सर के साथ हम इंडिपेंडेंटली भी करते थे, सर अलग डेरिवेशन उसी चीज को और मैं अलग ड्राइव करता था, और 1-1.5 महीने बाद जब हम डिस्कशन करते थे तो पाते थे कि हाँ उसमें बहुत सारी गलतियां हैं और ज्यादातर गलतियां मैं ही करता था उसमें, लेकिन सर की पेशेंस दैट वॉज अनमैच्ड। मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सी चीजें बहुत लोगों से सीखी है, जितनी चीजें मैंने सर से सीखी होंगी शायद एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, नॉट एज ए टीचर, एज ए टीचर तो हमने नेचुरली है जो मेरा टीचर होगा वो मेरा टीचर ही रहेगा, तो जो एज ए स्टूडेंट मैं सीखूंगा तो
फिजिक्स जो मैंने इनसे सीखी तो इन्हीं से सीखी है, और कोई मुझे कैसे सिखाता। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग मैंने लाइफ में बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट। हमें अपने बच्चों से भी ज्यादा इन्होंने अपने पास रखा होगा। शायद मैं तो बहुत ही ज्यादा सर से अटैच था, सर और सर की फैमिली से। मैंने शायद मैं तो केवल मन में ही सोचता हूँ कि जितना खाना मैंने सर के पास खाया होगा, सर के बच्चों ने भी नहीं उतर खाया होगा। मैंने वो बहुत साल, और आज भी मैं कभी भी मैं कुरुक्षेत्र जाता हूँ तो मैं सर को फोन करता हूँ, सर मैं खाना वही खाऊंगा आपके पास। वाई? क्योंकि ये एक ऐसी रिलेशनशिप थी बहुत रेयर मिलती है, होती ही नहीं है। टीचर्स हमने देखे हैं, हमारे बहुत से साथी होते थे जो, और स्टूडेंट जो हमारे साथ के हैं जो पीएचडी करते थे अपने टीचर्स के साथ, वो बेचारे सुबह से शाम तक परेशान ही रहते थे। लेकिन हमने कभी ऐसा फील नहीं किया। आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट, डॉक्टर सुनील शर्मा सर जो आप फिजिक्स सॉरी यहाँ फिजिक्स के एचओडी रहे, वो नंबर टू स्टूडेंट थे, और उसके बाद और बहुत से स्टूडेंट थे। लेकिन हम प्राउड इसलिए फील करते थे कि हम सर के साथ सबसे पहले जुड़े। और जब मैंने सर से लास्ट ईयर ये सारी बात हुई कोरोना के टाइम में, तो मैं जब शॉक्ड कि सर अब ये चीजें पढ़नी शुरू कर दी है, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। क्योंकि सर का जो लेवल ऑफ थिंकिंग है दैट इज एंटायरली एट ए डिफरेंट लेवल, और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने अपने आप को इस 2-3 साल कोरोना काल के दौरान इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व किया। एंड आई थैंक हिम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हर्ट। और वो हमारे पे बहुत पूरे प्राउड भी फील करते हैं, दे आल्सो फील वेरी प्राउड ऑफ अस। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं सर कि मैंने बहुत कम ह्यूमन बीइंग देखे हैं लाइफ के अंदर। हमारे पेरेंट्स भी हैं और भी बहुत से लोग हैं जिनका हमारी लाइफ पे इफेक्ट है, लेकिन मैं कहूंगा आपका इफेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, दैट इज अनमैच्ड। और जब भी आप कभी आपकी तस्वीर माइंड के अंदर आप कभी मैं याद भी करता हूं तो मैं बड़ा ही कूल फील करता हूं। मैंने इतने कूल टीचर कभी लाइफ में नहीं देखे, उन्होंने मुझे कभी जिंदगी में नहीं डांटा होगा। ये बड़ा ही मैं खुद भी फील करता हूँ, मैं एज ए टीचर भी फील करता हूँ, मैं भी अपने स्टूडेंट को बहुत डांट देता हूँ, लेकिन सर ने मुझे शायद ही कभी डांटा हो। एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू यू सर कि आप यहाँ आए, इस एज के अंदर भी आप इतना एक्टिव है और हमारे को तो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं अच्छा काम करने के लिए। और आज मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा आशुतोष जी का, क्योंकि मुझे आज के फंक्शन के बारे में आशुतोष जी ने 2 दिन पहले ही बताया 3 दिन पहले कि ऐसे ऐसे हम उनकी बुक का विमोचन कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं था। और स्पेशल थैंक्स टू वरिंदर चौहान जी जो स्पेशली चंडीगढ़ पंचकुला से हमारे बीच में आए स्पेशली इसके लिए। वैसे तो चौहान साहब हमारी बहुत हेल्प करते रहते हैं, बहुत मोटिवेट करते रहते हैं, हर काम में हमारी मदद करते हैं हमारे टीचर्स की। कोई भी सेमिनार वर्कशॉप हमने सनातन धर्म कॉलेज में ऑर्गेनाइज करनी होती है किसी भी चीज़ के लिए, जब भी हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर वो हमारे को टाइम देते हैं और हमारे बीच में होते हैं। एक बार फिर से मैं चतुर्वेदी सर का और विंदर सर का स्पेशल धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत आभार प्राचार्य महोदय। और ये बिल्कुल उचित बात है कि हम अपने टीचर का गुरु शब्द कहने में थोड़ा सा संकोच हो जाता है हम लोगों को, लेकिन टीचर से और मास्टर से ये दोनों शब्द उनके लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि आप उससे सीखते हैं जो मास्टर होता है और मास्टर से जो टीचर बनकर के आपको सिखाता है। मास्टरी आपको अपने सब्जेक्ट की करनी पड़ती है, फिर आप टीचर होने के योग्य होते हैं। और एक शब्द मैं और जरूर जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर राजेंद्र जी के उसमें, कि उनके दो गुण जिनसे मैं प्रभावित हुआ, एक ज्ञान और दूसरा सरलता।
नहीं तो जिसमें थोड़ा सा भी ज्ञान आता है उसका जो अहंकार है, जो ईगो है, वो इतनी बड़ी हो जाती है कि संभाले नहीं संभलती, क्योंकि मैंने इतने इंटेलेक्चुअल्स के साथ बात करके देख लिया है, मैं थोड़ा सा समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। तो उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो सचमुच ऐसी कमाल की हैं, जहाँ पर ज्ञान और सरलता संवेदनशीलता के साथ मिलकर के उपलब्ध होती हैं। तो मैंने एक बार उनसे निवेदन किया तो उन्होंने स्वीकार किया और अपना ज्ञान हमारे साथ बांटा है, उसके लिए जितना हम उनके प्रति आभार व्यक्त करें वो कम है। तो इस सभा के अंतिम चरण की ओर चलने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी को, और उससे पहले मैं उनसे एक निवेदन कर रहा हूं और आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि वो ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष हैं, निदेशक हैं, कि ये जो पुस्तक अंग्रेजी में आई है तो इसका वो हिंदी अनुवाद करवा करके अपनी ग्रंथ अकादमी की ओर से इसको जरूर छपवाए। इससे लेखक या पुस्तक सम्मानित नहीं होगी, इससे ग्रंथ अकादमी सम्मानित होगी, क्योंकि इस तरह की पुस्तकें बड़ी दुर्लभ हैं। हालांकि वीरेंद्र चौहान जी हमारे कॉलेज में कई बार टीचर्स को कह चुके हैं कि आप लोग अपनी पुस्तकें भेजें, ग्रंथ अकादमी उनको छापेगी भी, और हमारे कई टीचर्स ने सर अब पुस्तकें लिखी हैं और इस सभा के बाद मैं उनसे लेकिन उनसे एक बार साक्षात्कार मैं आपका जरूर करवाऊंगा इसके बाद, इस सभा के बाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी को कि वो मंच पर आए और अपनी बात अध्यक्षीय टिप्पणी हमारे साथ साझी करें। नहीं हटा देते हैं अगर आपको नहीं असुविधा ना हो तो नहीं नहीं इसमें क्योंकि बाकी लोग भी सुनेंगे क्योंकि ये माइक ऑन है इसमें भी कोई बात नहीं चलेगा चलेगा जी। आज के इस अनूठे कार्यक्रम के जो धुरी हैं, जिनकी पुस्तक का विमोचन हुआ, जिनका वक्तव्य आप सबने सुना, उनके शिष्य ने कहा कि वो बहुत सरल हैं, उनके शिष्य ने कहा वो कभी डांटते ही नहीं थे। प्रिंसिपल साहब कह रहे थे ना, सुना सबने ध्यान से, जब बोल रहे थे मंच से, ये अनुमान तो हमने तभी लगा लिया होगा कि ये प्रोफेसर साहब जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते होंगे तो कतई सादे से रहे होंगे, भोले से रहे होंगे, और डांटना फटकारना जैसे मेरे जैसा कर्कश बोलने वाला आदमी कभी कभार कर लेता है, ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया होगा। आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आज के कार्यक्रम की धुरी, आज के मुख्य वक्ता, जो पुस्तक अद्भुत लेकर आए हमें, आपको, समाज को, देश को, हमारी ज्ञान परंपरा से जोड़ने का जिन्होंने काम किया, उस अद्भुत विभूति और आचार्य के लिए, जिनको मैंने भी कहा भोले से हैं और जिनको उनके शिष्य ने भी कहा कि वो सचमुच कूल वाले प्रोफेसर साहब थे, उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि करते हैं, जोरदार ताली। तालियां आपने पहले भी बजाई थी, अभी भी मैंने बजवा ली, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये तालियां कम हैं, इसकी वजह बता रहा हूं फिर दोबारा बजा रहा हूं। जब से आप जन्मे, जब से मैंने होश संभाला, जब से आपको किसी ने थोड़ा बहुत ज्ञान देना शुरू किया, स्कूल में गए, घर में थे, परिवार में थे, एक बात बहुत सारे लोग कहते थे, आज भी कहते हैं कि भाई भारत की सारी परंपराएं, रीति रिवाज हमने जो अपने बुजुर्गों से पाया है, जो हमको कभी कभार यूं लगता है कि अम्मा तो न्यू करे जाए बेरानी के, यू बापू तो बेरानी के सिखाए जाए मैंने, ये जो हमारी रीति रिवाज परंपराएं प्राचीन काल से हमने बुजुर्गों से प्राप्त की हैं, ये निरोली
अंधविश्वास नहीं है, इन सब परंपराओं के पीछे ज्ञान भी है, और केवल ज्ञान नहीं है, विशिष्ट ज्ञान है, विज्ञान है। ये बात सुनते आ रहे हैं ना सभी? एक बात और सुनते आ रहे लगातार लगातार, हमको सबको ये बताया गया कि साहब घना ज्ञान था, बहुत ऊंचा विज्ञान था जहां तक मेरे और आपके पूर्वज गए, लेकिन देश का बुरा दौर आया, हम बिखरे, हम अपनी ज्ञान परंपरा से बिछुड़े, हमलावर आए, उन्होंने पुस्तकालयों के पुस्तकालय जलाए, और ऐसे जले कि इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हमारे यहां थी कि एक विश्वविद्यालय को जब हमलावरों ने जलाया तो उस विश्वविद्यालय का ग्रंथागार इतना बड़ा था प्यारे बच्चों कि 6 महीने तक उसमें आग जलती रही, एक दिन दो चार हफ्ते में जड़ा कोनी, अर्थात सामग्री इतनी थी, इतना बड़ा संग्रह हमारे पास था ग्रंथों का, पुस्तकों का। तो हमको ये बताया गया लगातार कि ज्ञान बहुत था, विज्ञान बहुत था, लेकिन इतना ही था ना, बापू कह देते थे, गुरुजी कह देते थे, दो वाक्य कह के समेट देते थे। और मैं भी अक्सर जब ऐसे कार्यक्रमों में कहीं जाता तो मैं ये कहता था, सोचता था कि भारतीय ज्ञान विज्ञान, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जो अनूठी अद्भुत बातें हैं, हमारी नई पीढ़ी केवल इतना कहने से तो मानने वाली नहीं है, स्याणे घणे हो ना, स्याणे घणे हैं, सवाल पूछेंगे और ये कहेंगे साहब आपने कह दिया हम मान ले, ऐसा तो होने वाला नहीं। जरा तर्क से समझाइए, जरा दलील से समझाइए, जरा दस्तावेज लेकर के आइए, जरा चीजों को डॉक्यूमेंट करिए, कोई प्रमाण लेकर के आइए। ये भारत की प्राचीन परंपरा है, ये भी कुछ नया नहीं आप कर रहे, आदिकाल से हमारे यहां ये रहा है। हमने कभी किसी को धरती को, धरती गोल है ये कहने पे किसी को जलाया नहीं, हमने किसी को, अपने देश में है क्या कहीं कोई उदाहरण ऐसा जब हमारे यहां किसी ने लीक से हटके कोई बात कह दी और लोगों ने कहा खा दो रहा, फूंक दो रहा, जड़ा दो रहा, नहीं भाई। लेट अस बी प्राउड ऑफ दिस परंपरा। हमारी परंपरा प्रश्न करने पर परेशान ना होने की है, मानते हो इस बात को? आवाज क्यों नहीं आ रही फिर? हम दुनिया की ऐसी परंपरा में पैदा हुए हैं जहां प्रश्न परेशानी का सबब नहीं बनता, प्रश्न किए जाते रहे हैं, खुले में शास्त्रार्थ होते रहे हैं और प्रश्नों के उत्तर दिए जाते रहे हैं। तो निरंतर ये प्रश्न आता था कि जब ये कहा जाएगा कि पुरानी ज्ञान परंपरा है, गजब की विज्ञान परंपरा है, इसको प्रमाण के साथ तो कोई लाए, तथ्यों के साथ तो लाए, कोई डॉक्यूमेंट तो करे। ये बात मैं भी कहता था और ये सवाल मुझे लगता है आशुतोष जी समेत, प्राचार्य जी समेत, बहुत सारे शिक्षकों के मन में भी आता होगा, भाई यू काम तो करण का है, यू किसी ने कराया क्यों नहीं। तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, उत्फुल्ल हूं, आनंदित हूं और कृतज्ञ हूं कि आचार्य जी आपने 80 बरस में यहां करके सही, सेवानिवृत्ति के बाद ही सही, भारतीय ज्ञान विज्ञान के बिखरे हुए मणि मोक्तिकों को, हीरे जवाहरात को, जो इधर बिखरे थे उधर बिखरे थे, कहीं मिट्टी में धसे थे कहीं कीचड़ में फंसे थे, आपने उनको निकाला है। हरियाणी में कहना हो तो दोया पूंजा है, समारा है, और समार के एक पुस्तक के रूप में, एक नन्हे से ग्रंथ के रूप में, मैं नहीं कहता कि वो बहुत कई हजार पन्ने का ग्रंथ है, लेकिन एक छोटे से ग्रंथ के रूप में आपने नवीन भारत के सामने रखा है, नई पीढ़ी के सामने रखा है, उस भारत के सामने रखा है जो अपनी परंपराओं के प्रति अब जागने लगा है, अब वो ढूंढता है क्या क्या अच्छा था, उसको अच्छा कहने पर वो गर्व करने का प्रयास भी करता है। इसलिए मैंने कहा कि इतना बड़ा काम कर देता है, तालियां इतनी से काम नहीं चलेगा। एक बार पुनः अब भी ढीली हैं तालियां, तो
सच कह रहा हूं, बहुत बड़ा काम किया है। मैं भारतीय ज्ञान परंपरा की, भारत की विज्ञान परंपरा की बहुत सारी बातें तो कह दी पुस्तक के लेखक महोदय ने, आज के मुख्य वक्ता ने, और मुख्य तो उन्हीं की बात रहेगी, इसलिए मैं उनकी किताब के जो पन्ने मैंने अभी अभी बैठे बैठे पलटे हैं उसमें से कुछ छोटी छोटी चीजें और कह दूं, बताओ, बोलो, कहूं कि नहीं? पेट में हाथी घोड़े तो नहीं कूद रहे? चलिए, हमारे यहां जीवन के, मतलब हमारे यहां कुछ भी तो विज्ञान रहित नहीं था। आचार्य जी वहां तक पहुंचे नहीं थे अपने किताब के उस पन्ने तक। कोणार्क का सूर्य मंदिर सुना है नाम? किस किस ने सुना है? 30% लोगों ने सुना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, बहुत सारे लोग उस मंदिर को देखने जाते होंगे, गए होंगे अपने में से कुछ, लेकिन ज्यादातर लोग के देखने जावे, वो एक मंदिर है, माथा टेके आवेंगे, सूर्य देव को नमन कराएंगे। परंतु प्यारे बच्चों, आदरणीय मित्रों, कोणार्क का सूर्य मंदिर केवल और केवल सूर्य देव की आराधना के लिए बनाया गया एक ऐसा वैसा भवन नहीं है जहां कोई प्रतिमा रख दी गई हो साधारण किसी मंदिर की तरह और वहां पर आराधना की जा सके। कहते हैं कि राजा ने कहा 12 बरस का समय है, 12 का अंक एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। 12 बरस, 1200 कारीगर वो काम करेंगे और सूर्य देव को समर्पित एक मंदिर बनाएंगे। जब मंदिर बनाया गया तो उसके कण कण में, उसके एक एक हिस्से में विज्ञान ठूस ठूस कर भर दिया। उस जमाने में जब दुनिया को वो सारी चीजें अता पता थी ही नहीं, पश्चिम जो ठेकेदार बनता है विज्ञान का, जिसका विज्ञान 400-500 साल से पहले जाता नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा जी? मॉडर्न साइंसेस, आधुनिक विज्ञान जिसको कहते हो, जिसका जनक, जिसका पप्पा वो यूरोप अपने आप को कहता है, जिस पर अमेरिका इतराता है, वो विज्ञान तो 400-500 खींच के 600 साल पुराना है। लेकिन कोणार्क के सूर्य मंदिर सहित मेरे पास ऐसे दर्जनों नहीं सैकड़ों भवनों की दास्तान और कहानियां हैं, जिसमें से एक का जिक्र आपने भी अपनी पुस्तक में किया है, जिनका निर्माण वो वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। कोणार्क के सूर्य मंदिर में जो बड़े बड़े उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिस मटेरियल से उसको बनाया गया है, सबके सबको आपस में मैग्नेट से जोड़ा गया है। कोई सीमेंट नहीं, कोई चूना नहीं, बड़े बड़े पाषाण खंड तराशे हुए, उनको जोड़ा गया मैग्नेट से। हर पाषाण के बीच में लोहा सही स्थान पर फिट किया गया, फिर बड़ी बड़ी भीमकाय और छोटी छोटी अलग अलग आकार की चुंबकें सही स्थान पर, एक्यूरेट स्थान पर स्थापित करके उनके जरिए इतना विशाल काय भव्य तव्य मंदिर उस समय निर्माण किया गया। बिना ज्ञान के हो सकता था क्या? बिना विज्ञान की समझ के हो सकता था क्या? फिजिक्स को जाने बिना हो सकता था क्या? ये अपने आप में समझने, विचारने और गणना करने की है। एक और तथ्य पढ़ रहा था मैं पुस्तक में से, जो आपने हवाले दिए उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं। मंदिर बनाया अद्भुत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके। मंदिर बनाने के बाद जहां मुख्य प्रतिमा रखी गई वहां उसमें कहीं कोई एक हीरा जड़ दिया गया और ऐसे उसकी इतनी गजब की गणना की गई कि पहली सूर्य की किरण उस क्षेत्र में अगर पड़ती तो पहली किरण इस दृष्टि से उसका एंगल निर्धारित किया गया, कितनी महीन कितनी बारीक गणना रही होगी कि पहली किरण उस प्रतिमा में जड़े हुए हीरे से रिफ्लेक्ट हो करके सूर्य के आगमन का ऐलान करती। ऐसे एक नहीं, अनेक हमारे पूर्वजों के बनाए हुए स्थान हैं, वेधशालाएं हैं। मैं अगर
दिल्ली आपको ना लेके जाऊं, आज के इस कार्यक्रम में तो भी गड़बड़ हो जाएगी। दिल्ली में, दिल्ली कौन कौन जाते हैं भला? सारे ना गए अभी तक। दिल्ली, जिसने दिल्ली को घूमा है, मतलब घूमने के लिहाज से दिल्ली गया है, काम के लिहाज से बहुत लोग जाते होंगे, कौन कौन है ऐसे दिल्ली जिन्होंने घूमी है, जिन्होंने कुतुब मीनार देखी है? मैंने भी नहीं देखी अब तक, लेकिन मैं वर्णन करूंगा। दिल्ली में कुतुब मीनार आशुतोष जी ने देखी है, और आशुतोष जी ने भी देखी है, आशुतोष जी ने भी देखी है, आपने भी देखी है, कुछ बताना चाहेंगे कुछ खास उसके बारे में आपको समझ में आया? खड़े हुए प्लीज मैडम, आपने हाथ खड़ा किया ना, आपसे आगे वाले आपने किया था ना हाथ खड़ा, बताइए जरा कुछ खास बात समझ में आई क्या, या सिर्फ नहीं गए थे भाई? ऐतिहासिक इमारत है, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के एक किसी निकम में गुलाम की बनाई हुई इमारत, ही पढ़ा ना इतिहास में? क्यों भाई, यही पढ़ा कि नहीं? मतलब मोहम्मद गौरी का भी एक गुलाम दास, वो कहते हैं ये पढ़ते रहे पढ़ाते रहे, अब भी पढ़ रहे हो कि मोहम्मद गौरी जो जालिम हमलावर विदेशी था, उसका भी एक दास था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और लोगों ने हमें पढ़ाते रहे कई दशक तक, अब तक भी कहीं ना कहीं पढ़ाया जा रहा होगा कि उस गुलाम ने वो कुतुब मीनार उसकी तीमारदारी की, उसको क्या बोलते हैं जी उर्दू में, तीमार करते हैं? नहीं, तीमारदारी तो तामीर, उर्दू में ओड़ा हो गया तो वो होता है सेवा शुश्रूषा होती है। तो ये कह दिया गया कि ये तो बड़ाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको इसकी की, हकीकत क्या है? जब वो करें कुतुबुद्दीन ऐबक के पास ना, तो हमारे आचार्यों ने, विशेषों ने, पुरातन तत्व को जानने वालों ने ज्ञान था कि वो उस इमारत को तामीर करवा सकती थे, उनको तो पहले ही मरवा दिया करते, कटवा दिया करते थे, वो तो युद्धों हमारे पूर्वजों द्वारा कुतुबुद्दीन पहले बनाई गई एक भव्य वेधशाला थी, जिसमें 27 मंदिर उस परिसर में हुआ करते थे, जो खगोलीय घटनाओं के अध्ययन, उनकी गणनाओं के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशाला आप उसको कह सकते हो, वो बनाई गई थी उस जालिम निकम में गुलाम ने, तो इस्लाम का प्रचार करने के लिए, और यह सोच के कि वो मंदिर है, और मंदिर है तो बुत है, बुत है तो इस्लाम को मंजूर नहीं है, इसलिए तोड़ो फोड़ो, उसने तोड़वा के फोड़वा के उसमें अल्टरेशंस कर दी, और 27 मंदिरों का विध्वंस करके उसके खंडों से, उसके टुकड़ों से वो वेद, वो जो उसका कुछ हिस्सा, उसमें अल्टरेशंस उसने कर दी, और मस्जिद का उसको आकार दे दिया। वस्तुतः उस स्थान पर आप जाएंगे तो उसका एक, उसकी एक एक सीढ़ी, उसका एक झटका, उसकी दिलो चीख चीख कर कह रहा है कि ये आपके और मेरे पूर्वजों के ठीक है, प्रमाण है। ऐसे अनेक स्थान आपको मिल जाएंगे आचार्य जी आपकी पुस्तक के माध्यम से, ऐसे स्थान और पूर्वजों का विज्ञान, उसके प्रमाण वो नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। मैं इसको एक बड़ी घटना, महत्वपूर्ण योगदान इस रूप में देखता हूं, और आशुतोष जी और मेरे मन काफी मिलते हैं, सम वो मनन से जानता बड़े मानस हैं हम, जो ये सोचते हैं वो मैं पहले सोच रहा होता हूं, या जो मैं कहने वाला होता हूं ये पहले सोच जाते हैं था। और सच्चे अर्थों में तो जब मैं कार्यक्रम में जुड़ा था, रास्ते में गाड़ी में बैठे बैठे, तभी मैंने ये मन बना लिया था कि मैं लेखक महोदय से पूछूं कि क्या आप इतने से संतुष्ट हैं, इतने से राजी हैं कि आपकी किताब अंग्रेजी में आपने लिख दी, इतने से काम चल जाएगा क्या, क्या ये पुस्तक
हिंदी पढ़ने वालों को, हिंदी के पाठकों को, हिंदी पढ़ने में आनंदित होने वाले नौजवानों तक, पाठकों तक नहीं जानी चाहिए। और आपने हाँ कर दी, आपने प्रस्ताव रख दिया, मैं आप इसका अनुवाद करके हमें दे दें, किसी और से करवा दें, आशुतोष जी से करवा दें, या कोई और लेखक हो सकते हैं, जो भी कर दे। एक और आगे लिखे चलते चलते प्रस्ताव, श्री गुरुदयाल सिंह कौशल स्मृति शोध संस्थान कुरुक्षेत्र, इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद की ताली बजा दी है। गुरु गुरु हरियाणा ग्रंथ अकादमी आपकी पुस्तक के हिंदी अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए तैयार है, सद है। मजा लेकिन तब आएगा जब जिस ताबड़तोड़ गति से विचार, प्रस्ताव, स्वीकृति, सहमति यहां बरस रही कार्यक्रम में, अनुवाद भी उसी गति से होकर के उसकी पांडुलिपि हमारे पास, अकादमी के पास पहुंच जाए। हरियाणा ग्रंथ अकादमी अपने आप को धन्य समझेगी, निहाल हो जाएंगे हम, जो आपने टैम सर इसका अनुवाद करवा के दे दिया। मैं तो नहीं कहूं भाई हरियाणवी में और करवा दे लगे हाथ, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर हरियाणवी में भी हो सकता हो तो हरियाणवी में भी हम इसको प्रकाशित करने पर विचार कर लेंगे, क्योंकि अपनी बोली को भी आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। बस सारी बातें हो गई, मैं नई पीढ़ी के मित्रों से एक दो बात और कहके अपनी वाणी को विराम दूंगा। आशुतोष जी, प्राचार्य जी, आपका यह कॉलेज साधारण कॉलेज नहीं है। क्या नहीं है? न्यू है कोनी, मतलब ऐसे कॉलेज में नहीं पढ़ते आपके एम ए, चलो जी दाखला ले लिया, कोई साधारण सा कॉलेज है। आप वास्तव में एक अनूठे अद्भुत संस्थान के विद्यार्थी हैं, और इसके अनूठे होने का, अनूठे होने की जो वजह मुझे समझ में आती है कि आशुतोष जी जैसे शिक्षक यहां पर हैं, जो निरंतर भारतीय ज्ञान परंपरा की बिछड़ी हुई डोर से, टूटी हुई डोर का छोर ढूंढ ढूंढ के नई पीढ़ी को, शिक्षकों को और शिक्षार्थियों को, न केवल यहां कॉलेज परिसर में अपितु अब क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमें एक वैश्विक पटल दे दिया है वेबिनार के माध्यम से, तो केवल अपने विद्यार्थियों को नहीं अपितु इस संस्थान से बाहर भी वो यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जो 80 की उम्र में आचार्य जी ने किया। आप लोग इतना ही टाइम लोगे क्या कुछ बड़ा करने के लिए? उन्होंने बड़े काम और भी किए, ये नहीं कह रहा कि यही पहला बड़ा काम किया है, लेकिन मैं आपसे असल में पूछना चाहता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के को और अधिक बेहतरीन ढंग से प्रकाश में लाने के लिए आचार्य जी ने 80 की उम्र में, आयु में ये प्रयत्न किया, सफल प्रयत्न किया, हम उनके आभारी भी हैं, उनका अभिनंदन भी करते हैं। परंतु हे नौजवान मित्रों, हे नवयुवतियों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके मन में ये संकल्प जागृत नहीं होना चाहिए आज, जबकि देश अपनी स्वाधीनता का 75वां वर्ष मना रहा है, कि हम जो काम उन्होंने इस आयु में किया है, हम में से कुछ लोग, इस कॉलेज के कुछ विद्यार्थी उनकी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, मगर चलने के लिए 10, 20, 25, 30 साल का इंतजार नहीं करेंगे। आज ही के दिन, आज से ही, इसी वर्ष से हम निर्धारित करें कि हम स्वाधीनता के 75वें वर्ष में संकल्प लेते हैं कि आने वाला जो 25 साल का समय है, जब आजादी 100 साल की हो जाएगी,
हम स्वर्ण जयंती आजादी की मनाने के लिए यहां इकट्ठे होंगे, पता नहीं मैं उस समय हूं ना हूं, लेकिन ईश्वर हम सबको दीर्घायु दे, हम मिले कहीं पर इसी कॉलेज के परिसर में, आशुतोष जी के बुलाए से आ जाएं, प्रिंसिपल साहब की जगह कोई और प्रिंसिपल होंगे, किसी के बुलावे से आ जाएं या धक्के दा आ जाएं। क्या हम ये संकल्प नहीं ले सकते कि हम इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन को डेडिकेट करेंगे? ये संकल्प कुछ विद्यार्थी अवश्य लें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और भारतीय संस्कृति के, भारतीय जीवन शैली के कौन कौन से चीजों को आप जीवन में रेगुलरली आजकल अपनाते हैं, कुछ ऐसा भी पूछ लूं क्या? पूछा जाए, कौन कौन ऐसे हैं जो अपना जन्मदिन भारतीय कालगणना के हिसाब से मनाते हैं? है कोई? कोई भी नहीं हो। आशुतोष कहते हैं कि ये अपना जन्मदिन भारतीय कालगणना के हिसाब से मनाते हैं। पढ़ लेना, समझ लेना, हो सकता है इस पुस्तक में भी कहीं उसका जिक्र हो। भारत की कालगणना दुनिया की सबसे व्यवस्थित, प्राचीन और वैज्ञानिक कालगणना है। व्याकरण जाओगे ना जी, मुहूर्त कढ़वाओगे तो उस समय कुंडली निकाली जाती है कि नहीं? तो भाई जैसे उस समय कुंडली निकाल के गणना ग्रहों की होती है, तो जन्मदिन भी अपनी काल गणना के हिसाब से मनाना चाहिए कि नहीं? मरी मरी सेवा में बोलो तुम तो मनाना चाहिए कि नहीं? तो ये भी एक विचार अपने मन में आना चाहिए कि हम अपना जन्मदिन इस बरस से सही भारतीय कैलेंडर, भारतीय काल गणना के हिसाब से मनाएंगे। अब जन्मदिन मनाएंगे ये तो मैंने कह दिया, लेकिन तारीख किस किस को याद रहती है भारतीय? आज भारतीय कालगणना ये किस किस को याद है? जी पंडित जी बता दें। एक महत्वपूर्ण बात निकल करके, भारत की संस्कृति उसके बचे कुचे अभी भी मेरी और आपकी जिंदगी में जिंदा है, शेष हैं, अवशेष हैं, तो वो मातृशक्ति के बल पर बचे हुए हैं। ना बालाजी जी की पत्नी का व्रत होता, ना इनको याद होता कि आज एकादशी है। ये सच्ची बात है कि नहीं? वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रमी संवत 2000 क्या है? उनासी पूछ रहे तो पसीने छूट जाएंगे। तो एक काम और करेंगे, एक अपनी भारतीय कालगणना के हिसाब से अपना जन्मदिन मनाना शुरू करेंगे। ये भी शुरू कर दीजिए, सब के सब फेसबुक इस्तेमाल करते हैं ना, करते हो कि नहीं? सच्ची बात भी नहीं बताऊं, दिल से यहां छीनने वाला कोई आपसे, सबके सब फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग इंस्टा पर होंगे। ये मतलब मार्क जुकरबर्ग से लड़ाई बज रही है लगता आज का, एलन मस्क के और रखे सारे के सारे। तो अच्छा ना, इंस्टा तो फेसबुक वालों का है ना? ओके, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं। तो इंस्टा पर और फेसबुक पर सबके सब लोग हैं। तो हे महान वैज्ञानिक भारतीय पूर्वजों की वर्तमान संतानों, आज से एक काम और करके देखो, प्रयोग के तौर पे ही सही, वैज्ञानिकों के कार्यक्रम में बैठे हैं, विज्ञान के कार्यक्रम में, कि हर दिन सुबह उठ के इंस्टा पर या फेसबुक पर पहली जो पोस्ट डालो उसमें भारतीय तिथि वो लिखना शुरू कर दो। शुरू शुरू में हो सकता है कुछ लोग को तेरे क्यों हो गया, तू क्यों बावड़ा हो गया,
ऐसा कह सकते हैं ना कुछ लोग, भाई तेरे क्या हो गया, तू क्यों बावड़ी होगी, कैसी कैसी चीजें लिखने लग गई। लेकिन यदि वास्तव में आपके हृदय में प्रति श्रद्धा है, आज के विज्ञान और वैज्ञानिकता से आगे का मानते हो, तो आपको रत्ती भर इसमें शर्म संकोच नहीं होगा। ये दो काम कर लीजिएगा, और ये काम आप कर रहे हो कि नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा, या कितने लोगों ने करना शुरू किया। उसका एक तरीका ये है कि फेसबुक पर मैं भी रहता हूं, इंस्टा पर तो उतना नहीं रहता, तो कृपा करके मेरे साथ फेसबुक पर आ जाएं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान आप गूगल कर अभी कर लें, फेसबुक पर सर्च कर लें, मैं कहीं आपको दिखूं तो मुझे फॉलो कर लीजिए या मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए। मैं भी नजर रख लूंगा कि कौन कौन इसे सियाणे मानस हैं जिनको मेरी बात समझ में आई है। फेसबुक पर आइए, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे को फॉलो करना शुरू करते हैं, और फेसबुक पर भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों को लेकर के एक आंदोलन शुरू करते हैं, एक अभियान शुरू करते हैं। अच्छी अच्छी चीजें जो हैं अपने पूर्वजों द्वारा खोजी गई, बताई गई, जताई गई, उनको अलग अलग अंदाज में फेसबुक हो या इंस्टा हो या दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर ले जाना शुरू करते हैं। आचार्य जी की जो पुस्तक है इसका हिंदी अनुवाद भी आ जाएगा, लेकिन अंग्रेजी से डर लगता है, ऐसे कौन कौन है यहाँ, साइंस वाले ना सारे, तो भयभीत तो नहीं होते होंगे, तो अंग्रेजी में उपलब्ध है, जब तक अंग्रेजी में इस किताब को पढ़ मारिए। मैंने 60% तो यहीं बैठ के पढ़ दी, कुछ कुछ गाड़ी में आते हुए, शेष यहां इस पुस्तक को पढ़ के इसमें से भी कुछ अच्छी चीजें हैं उनको छोटी छोटी सोशल मीडिया की पोस्ट के रूप में ढाल के, कहीं इमेज के रूप में, कहीं टेक्स्ट के रूप में, कोई वीडियो बना सकता अपने में से। मैंने मान लीजिए डॉक्टर साहब ने आर्यभट्ट की कहानी सुनाई, डॉक्टर साहब ने ब्रह्मगुप्त उनका जिक्र किया, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, और भी तो उलझुल चीजें शेयर करते हो, रील बनाते घूमते हो, कुछ रील्स, कुछ वीडियो ब्लॉग्स, कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर इस कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा, और जो मित्र इस कार्यक्रम को अन्यत्र सुन रहे हैं उनके द्वारा इस पुस्तक में से ही उठाकर भले उनको ढाला जाए और सोशल मीडिया पर डाला जाए, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का ये भी एक मार्ग है। इस सुझाव के साथ मैं अपनी वाणी को यही देता हूं विराम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, और जिस तरह से आपने हमारे युवाओं में उत्साह भरा है वो बाकी प्रशंसा के योग्य है, और जिस तरह से आपने पुस्तक का विमोचन किया है उस पर अपने विचार रखे हैं वो बाकी प्रशंसा के योग्य हैं। मैं इससे पूर्व कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूं प्रोफेसर डॉक्टर रोशन लाल जी को, जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के, उससे पूर्व एक दो बातें आपके ध्यान में और लाना चाहता हूँ। हमारे साथ ऑनलाइन आप शायद देख पा रहे होंगे कि गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज की पूरी क्लास जुड़ी हुई है। मैं उनके टीचर के प्रति डॉक्टर गुरिंदर जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि अपने स्टूडेंट्स के साथ पूरी की पूरी क्लास जुड़ी है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की और रोमांचकारी बात है कि इस तरह से कोई टीचर ये इनिशिएटिव ले सकता है ये काम करने का कि पूरी क्लास ऑनलाइन हो। यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन इस तरह से क्लास का जुड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थैंक्स ए लॉट। और उसके बाद काशी महाविद्यालय से जुड़े हुए जो हमारे मित्र और उनके जो प्रिंसिपल और उनकी मैनेजमेंट के भी लोग अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स, वो भी प्रशंसा के पात्र हैं। ब्रजेश जी, डॉक्टर ब्रजेश कुमार पांडे और उनके साथी जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, वाकई वो धन्यवाद के पात्र हैं। ये बात मैं आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता था। और अंतिम बात, मैं एक पुनः निवेदन डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी से करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी बातों से मेरे में भी ये विश्वास आया है और उत्साह जागा है कि आप एकेडमी की ओर से एक कॉम्पिटिशन
हरियाणा का रखना चाहें, कॉलेजेस का रखना चाहें या अलग अलग जिलों का रखना चाहें, जरूर रखें छात्रों के लिए, और अच्छी पुरस्कार राशि उसके लिए रखें, और उसमें ये विषय इनको दें कि जो भी कोई वीडियो और पावर पॉइंट एंशंट साइंसेस के ऊपर बनाता है उसको वो पुरस्कृत भी करें, उसको एक्नॉलेज भी करें, सर्टिफिकेट भी दे, इस तरह का कोई इंटर कॉलेज इस तरह का कोई आयोजन करने की वो अनुमति जरूर दें। मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ दिन और नहीं हो सकता, गुरुवार का दिन और इतना कुछ हो गया। लेकिन धन्यवाद है, इसकी योजना मैं बना करके आपके पास भेज देता हूँ, आप अनुमति प्रदान करें, निश्चित रूप से हम विद्यार्थियों से इसकी आयोजन इसको करेंगे। और एक अंतिम बात मैं आप लोगों से निवेदित करते रोशन आदमी को आमंत्रित कर रहा हूँ, आप किसी किसी का माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। देखिए दो तरह के साइंटिस्ट होते हैं, और हमें से जो अधिकांश साइंटिस्ट हैं वो जो हैं इंटेलेक्चुअल किस्म के हैं। इंटेलेक्चुअल होने से मेरा कोई परहेज नहीं है, ना मैं उसको मना करता हूँ, इंटेलेक्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंटेलेक्ट से आप सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। इंटेलेक्ट से आप सारी दुनिया, सारे समाज, सारे मनुष्यों की समस्याएं हल नहीं कर सकते। इंटेलेक्ट का काम होता है डिवाइड करना, काटना। चाकू का काम इंटेलेक्ट करती है, उससे आप सुई का काम नहीं कर सकते, सिलने का काम नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम इंटेलिजेंट बने। इंटेलिजेंट अगर आप साइंटिस्ट बनते हैं तो आप मनुष्यता के लिए एक उपलब्धि होंगे, सारे समाज के लिए एक उपलब्धि होंगे। और इस बारे में सावधान, बार बार जितने भी लोग हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो करते हैं, आइंस्टाइन है, मैक्स प्लैंक है, फील्ड्स ऑफ कॉन्शसनेस है, जिन लोगों को मैंने पढ़ा है उनके आप कोटेशंस दे सकते हैं, मुझे कोटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन हमने इन लोगों को कभी पढ़ाया नहीं। हमें तो लगा कि बस फॉर्मूले पढ़ा दिए और हमने ये जान लिया कि चीजें घटती कैसे हैं, होती क्यों है, ये कोई उत्तर नहीं देता। इसी साइंस में कोई उत्तर नहीं है कि भाई भाई नाम का क्वेश्चन ही वहां नहीं होता, जो भी उत्तर दिया उत्तर होते हैं आपके पास कि इसका यूज कैसे करना है। इसलिए साइंस वालों को कोई अहंकार करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो मनुष्यता के लिए नहीं कर रहे कुछ भी, वो केवल यूज करना सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप इंटेलिजेंट साइंटिस्ट बनने की कोशिश करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो निश्चित रूप से मनुष्यता आपसे गर्व करेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर रोशन लाल जी को, जो अध्यक्ष है इस डिपार्टमेंट के लिए, वो सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। सभी को नमस्कार। आज के इस विशेष आयोजन के मुख्य अतिथि सॉल्यूशन में क्या हरिंदर सिंह जी चौहान, निदेशक हरियाणा ग्रंथ अकादमी पंचकूला, मुख्य अतिथि आदरणीय श्री डॉक्टर टी के चतुर्वेदी जी, जो के भौतिक विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इनके साथ साथ इन्होंने यूनिवर्सिटी के जो एक इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर है, बहुत ही उपयोगी सेंटर है, उनके भी जो है निदेशक रहे हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, और हरियाणा से विभिन्न महाविद्यालय से जुड़े हुए मेरे सभी प्राध्यापक गण और प्राचार्य और प्यारे बच्चों, आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे इस अवसर पर सभी का धन्यवाद करने का मौका मिला। सर्वप्रथम मैं अपने मैनेजमेंट की ओर से, प्रिंसिपल की ओर से, और सभी प्राध्यापक गण और बच्चों की ओर से मैं आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि वो आज हमारे जो हमने आमंत्रित दिया उसको सह स्वीकार किया और हमारे बीच आए, और जो भारतीय वैज्ञानिकों का सहयोग योगदान रहा है उसके बारे में हम सबको अवगत कराया। शायद इस तरह का प्रयोजन मैं भी जो है पहली बार उसको आज महसूस कर रहा हूँ,
मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है और मेरे को लगता है कि सभी जो विद्यार्थी हमारे यहाँ उपस्थित हैं सभी ने इसका पूरा और भरपूर आनंद लिया है। तो मैं अपने सभी प्राचार्य जो हरियाणा के विभिन्न महाविद्यालयों से जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ हमारे जो प्राध्यापकगण हैं जो हमारे साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड से जुड़े हैं, उन सब का मैं स्वागत धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे प्रिंसिपल साहब जो हमेशा ही जब हम किसी एक्टिविटी के लिए सर के पास जाते हैं तो हमेशा ही हमारे को प्रेरित करते हैं और कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। और इस तरह के आयोजन ये बच्चों के लिए निरंतर जो है आयोजित किए जाने चाहिए, क्योंकि ये आयोजन बच्चों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो इंफॉर्मेशन सर ने हमारे को यहाँ पे शेयर की है शायद वो किसी बुक में अवेलेबल नहीं है। तो आज हमारे को हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक है उनका जो विज्ञान के प्रति क्या योगदान है उस चीज के बारे में हम सबको आज इसके बारे में अवगत कराया गया है। तो मैं सर का दोबारा से फिर हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मैं लास्ट में तो नहीं कह सकता क्योंकि ये जो आयोजन किया गया है ये हमारी सर जो आपने वाइस प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर आशुतोष संगिरास जी, जो कि मैं कह सकता हूं इस कॉलेज के इनसाइक्लोपीडिया है। संस्कृत के प्राध्यापक होते हुए वो बड़ी सरलता से विज्ञान को संस्कृत के साथ इस तरह से जोड़ देते हैं जिसका हर एक विद्यार्थी और प्राध्यापकगण पूरी तरह से आनंद उठा सकता है। तो मैं सर का अपनी तरफ से सभी अपने प्राध्यापक की ओर से सभी प्राचार्यों की ओर से धन्यवाद करता हूं कि सर आपने आज हमारे को इस तरह का अवसर प्रदान किया और आपसे अनुरोध है कि इस तरह की एक्टिविटी आप फ्यूचर में भी कराते रहिए। लास्ट में मैं अपने सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूं क्योंकि बगैर बच्चों के पार्टिसिपेशन से कोई भी शैक्षणिक गतिविधि पॉसिबल नहीं है। तो आप सभी का जो आप आराम से बैठे सभी ने सुना, एक जो कमी रह गई जो मैं महसूस कर रहा हूं वो कमी यह है कि बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते। बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए तभी पता लगता है इस एक्टिविटी का फायदा क्या है। तो ये भी सभी बच्चों का मेरा अनुरोध है मेरी तरफ से कि जब भी फ्यूचर में कोई इस तरह की शैक्षणिक गतिविधियां कॉलेज में आयोजित की जाए तो आप सभी उसमें भरपूर पार्टिसिपेट करें और क्वेश्चन पूछें। कभी घबराना नहीं होता, जिस तरह से बच्चों को भी बार बार मोटिवेट करते हैं क्लास के अंदर कि आप क्वेश्चन पूछिए, लेकिन बच्चे डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? उनको ये लगता है कि यदि मैं क्वेश्चन पूछूं तो मेरा दोस्त क्या समझेगा। और हम बच्चों को कहते हैं भी यदि आपको इस तरह की कोई मनसा है मन में तो आप क्लास से बाहर आके भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए ये सभी बच्चों से स्पेशल जो है मेरी तरफ से अनुरोध भी समझा जाए कि यदि इस तरह की आप आगे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्वेश्चन जरूर पूछे। धन्यवाद सभी का। थैंक यू सर। धन्यवाद। इससे पहले आशुतोष जी इस समापन करें आज के समारोह का, तो बच्चों की जानकारी के लिए मैं दो बातें बताना चाहता हूं। एक तो हरियाणा ग्रंथ अकेडमी की तरफ से बाहर जो है पुस्तकों का एक प्रदर्शनी लगाई हुई है जो कि हरियाणा की साहित्य, हरियाणा का इतिहास और हरियाणा की संस्कृति से संबंधित है। हरियाणा की भी है, ज्यादा तो उसमें हिंदी भाषा में ही है और खास करके हरियाणा के जो साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं हैं जो कि आपके कुछ पुस्तकें हमने लाइब्रेरी में पहले ली भी हुई हैं, उनके नए जो है उनके संस्करण जो है वहां पे उपलब्ध हैं। दूसरा जो आज की जो पुस्तक की जो इसका जो रिलीज हुई है इसकी दो कॉपी हमने मंगवा ली थी और भी यदि अभी जैसी जरूरत होंगी तो और भी बच्चों को हम इसकी और कॉपियां मंगवा लेंगे। जिस बच्चे को जरूरत है वो दो दिन के बाद आपको मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो कोई पुस्तक इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड है अमेजोन पे भी अवेलेबल है और हमने लाइब्रेरी में दो पुस्तकों की कॉपी इसी कल ही मंगवाई है, कुछ और कॉपी इसमें आ जाएंगी, जो पढ़ना चाहें वो लाइब्रेरी से ले सकते हैं दो दिन बाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर।
डॉक्टर साहब ने तो दो पुस्तकों का जिक्र करके आपसे पीछा छुड़ा लिया, लेकिन मैं चिंतित आती है, लेटेस्ट ना भी हो तो पुरानी किताबें भी बहुत रुचिकर और बहुत इंटरेस्टिंग है, और पर्टिकुलरली फिलोसफी ऑफ साइंस जो है उन किताबों को जरूर आप देखें। और हमारी लाइब्रेरी में कुछ एक तो हैं जिनको किसी ने पढ़ा भी नहीं है, तो लेकिन उनको देखिए और जो भी आप चाहें वो तुरंत वो उपलब्ध कराएंगे, इस बात के लिए वो हमेशा तैयार रहे हैं। और एक बात जिसके लिए मैं रोशन लाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट्स प्रश्न नहीं पूछते, थोड़ी सी समय की सीमा हो जाती है, लेकिन मेरी अपनी ये जरूर इच्छा है कि किसी दिन हम क्वेश्चनर्स के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर एक वर्कशॉप लगाएं कि सवाल करना कैसे होता है, सवाल क्वेश्चन और क्वेरी में पर क्या होता है, कितनी तरह के प्रश्न होते हैं ये कोई सिखाता ही नहीं है। हम केवल एक कार्यक्रम में कह देते हैं कि प्रश्न नहीं करते, प्रश्न करना सिखाता कौन? आपको पता है कि कौन से रेलेवेंट सवाल होते हैं, कौन से इरेलीवेंट होते हैं, प्रश्न का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितना कुछ है, लेकिन कभी हम उस पर वर्कशॉप नहीं लगाएंगे, हम पता नहीं क्या 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 करते रहेंगे। लेकिन निश्चित रूप से इस बात का अगली बार ध्यान रखेंगे कि एक आयोजन इसी तरह का क्वेश्चंस के ऊपर वर्कशॉप हम जरूर आयोजित करेंगे सर, मैं और कुछ कहना चाहती हूं, बातचीत करेंगे। तो इसी सभी शब्दों के साथ मैं अपने सर, मैं कुछ कह सकती हूं? जी मैम एक सेकंड, ये देन वॉल्यूम बढ़ा। जी मैडम आप। हाँ जी सर, सर आपने सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड मैं इसका वॉल्यूम अपना लेस कर दूं। ओके सर। एक सेकंड मैम। जी सर, वॉल्यूम सर मैं आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 मैडम कहिए आप। हाँ जी सर, हाँ जी सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स, मेरा बहुत मन होता था हर बार की स्टूडेंट्स को सुनवाऊँ कि कैसे विद्वान कैसे बात करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हम उनसे सीख सकते हैं। तो सर लास्ट मंथ हमने एक फेस्टिवल ऑफ थॉट्स करवाया था, जिसमें डॉक्टर चतुर्वेदी हमारे एक अतिथि रहे थे, और उन्होंने हमें जीरो से आर्य भट्टा से भट्टाचार्य तक यात्रा करवाई थी, और उसी से प्रेरित होकर हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए थे। सर आपने जिक्र किया कि क्वेश्चन फ्रेमिंग की एक वर्कशॉप करवाएंगे, सर मैं शायद पहला स्टेप स्किप कर गई और मैं सीधा दूसरे स्टेप पे आ गई। मेरे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं जिसका हम एक कल प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, तो मेरी सबसे जुड़े हुए जितने भी जुड़े हुए हैं यहाँ, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपको लिंक भेजूंगी, अगर आपके पास वक्त हो तो आपके सजेशंस के लिए हम बहुत एनकरेज, हमारे स्टूडेंट्स बहुत एनकरेज फील करेंगे। तो कल सर हम एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं जो सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के मन में क्या क्वेश्चंस आए हैं, अब उन्होंने कैसे फ्रेम किए हैं ये तो मैं नहीं उनको सिखा पाई, लेकिन हाँ इतना ज़रूर उनको इनकरेज किया है कि आपके मन में जो सवाल हैं वो पूछिए ज़रूर। तो सर मैं बहुत ऑनर्ड फील करूंगी कर सके। थैंक यू सो मच सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और निश्चित रूप से ये बड़ा एक स्तुत्य प्रयास है, और बाकी प्रशंसा के योग्य है कि इस तरह से कि स्टूडेंट्स को इनकरेज करना क्वेश्चंस के लिए, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें जरूर हम लोग जुड़ेंगे, जितने भी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स जुड़ सकते हैं निश्चित रूप से वो जुड़ेंगे, और जो भी सहयोग होगा वो हम लोग अवश्य करेंगे। थैंक यू सो मच, और इसी के साथ